स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं सभी चिकित्सक लोगों का यहां पे स्वागत करता हूं। भारत ही नहीं, आप लोग पूरी दुनिया में नाम कमाए और आप लोग बहुत आगे बढ़े, ये मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैं शशि मैम से पूछना चाहूंगा कि शशि मैम आप कैसी हैं? वाइजेक में आपका तबीयत ठीक है मैम? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। मैं अभी देखी क्लास हुई है क्या? हाँ, आज वो ट्रैफिक में अटक गया था मैं। क्या मैंने कोई भी दवाइयाँ, तो मैंने सोचा आज क्लास ही नहीं होगी, फिर मैंने ग्रुप में लिखा था ना 7:30 बजे होगा हुआ था, चर्चा नहीं हो पाया, डिस्कशन। अच्छा, जो मैं पढ़ाया हूँ ना उसका मैं पीडीएफ दे देता हूँ ताकि आप लोग बोले वाह क्या, हमें जो पढ़ाते हैं वो उसका पीडीएफ भी मिल जाता है तुरंत। जिनका मिस हो गया है वो लेक्चर सुनिए और जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जी सर, थैंक यू। हाँ, और जिनको मराठी नहीं समझ, क्योंकि मैं कुछ मराठी में भेजता हूँ, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, तो मराठी नहीं समझ आता है तो इजी है समझना, नहीं समझ आए तो मुझे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। जी सर, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। और आप लोग कुछ बताइए, केस भी बताइए। अर्शिया मैम कोई केस है तो पूछिए, बताइए कुछ बताइए। विनीता चौहान मैम, हाँ विनीता मैम आपको ही मैं ढूंढ रहा था लास्ट लेक्चर में, वो आपकी बच्ची कैसी हैं? विनीता चौहान मैम आप हैं? उनका आंखें कैसी हैं? सुन पा रही हैं कि खाना बना रही हैं? विनीता मैम अनम्यूट कर पा रही हैं कि नहीं? देखिए शायद नहीं कर पा रही हैं। मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, कोई केस आप बताइए मैम। हाँ सर, प्रणाम सर। मैं कल वो बच्ची को लाएंगे, उसमें वो लोग आ गए हैं बाहर से। उनको क्या तकलीफ है? वो छोटी बच्ची थी ना जिसको सेरिब्रल वो था, अभी उस दिन डाली थी, मैं पिक डाली थी जी। तो वो कल आएंगी रूम में और उनके फैमिली से और पेशेंट आए हैं जी, लोग को ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसको एलर्जी थी 2 साल से, लड़की को बाहर पढ़ रही थी और उसको उसके साथ में काफी मेडिसिन लिया है इन्होंने, बहुत ज्यादा। फिर मैं 5 डेज के लिए मेडिसिन दी, कुछ दीपन पाचन के साथ में एलर्जिक औषधियां लगाई उनको और बहुत आराम मिला। और बोली मेरे को कैसे भी वेट बढ़े, उसके पापा आके बोलते हैं इसका ना 45 वेट है कि 55-56 किलो की थी, कैसे भी इसका वेट बढ़ाइए। तो बोले पहले व्याधि तो ठीक हो जाने दीजिए, इतना क्रॉनिक इसको साइनसाइटिस है, इतना पानी आना, छींके आना इतना ज्यादा, पहले मतलब वो जो भी करिए लेकिन इसका वेट बढ़ाइए। तो फिर मैं कुछ औषधियाँ साथ में चलाई थी सर, बहुत ज्यादा तो नहीं चलाई मैं, सिंपल दीपन पाचन दी और साथ में त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस ये चलाई थी और हरिद्राखंड चलाई और आम पाचक बट्टी चलाई मैं और त्रिफला गुगुल चलाई मैं 4-4 रात्रि कल को।
और पंचकोल चूर्ण दे दी थी कषाय पीने के, उबाल करके क्वाथ पीने के लिए। कुछ ऐसी औषधियां चलाने के साथ भी सर उसको बहुत फायदा मिला, और आज तो आई तो बहुत अच्छा लगा, और 1.5 केजी वेट भी बढ़ा उसको। बोली खा रही हूँ तो मेरा पच रहा है और अच्छा मोशन भी जा रहा, नहीं तो 2-3 बार जाना पड़ता था। तो मैं फिर वाम पाचक बटी को 4-4 कर दी हूँ यहाँ, और अच्छा रिजल्ट आया सर। फिर आज दवाइयाँ बनवा के लेके गई है स्किन के लिए, वो गंधक रसायन रसमाणिक वगैरह सब बनाई हूँ उसको। बहुत पुराना एक्जिमा भी है, वो पानी निकलता है गीला वाला, और दोनों पैरों में पूरे अंगूठे से लेके चारों फिंगर में हाँ पूरा फैला हुआ, खड़े नहीं हो पाती। पहले आई तो बोलती मेरे को यहाँ ईचिंग होता है, बस इतना ही बोली थी मेरे को। तो कैसर बुलबुल और साथ में थोड़ा गंधक रसायन दे दी थी टेबलेट, 5 दिन खा के आना। आज दिखाई तो बहुत बहुत उसका हालत खराब है। तो अब उसके आगे आपके पास बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट का कुछ फोटो भी होगा तो वो दिखाएगा ना हमें? हाँ सर, मैं अभी आएगी 2 दिन के बाद तो उसका पिक ले लूंगी। मैं ध्यान नहीं था, सुबह पंचकर्म के पेशेंट थे तो बहुत बिजी थी, और बाहर से आ जाते हैं तो वो पेशेंट को सुबह और शाम दोनों टाइम दे करके भेजना पड़ता है, उसमें बहुत बिजी थी। फिर मैंने वेट बढ़ा उसका, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि कैसे वो वेट बढ़ाने के लिए क्या दिया आपने? कुछ भी ऐसा नहीं दी थी सर, मैं थोड़ा सा वो साथ में ये 2 दवाइयां दी थी कि मेरे को ईचिंग और ये होता है पैर में, तो मैं देखी भी नहीं थी उस समय, और इतना क्रॉनिक था कि करने का मन ही नहीं कर रहा था। हमने 2-3 साल से दवाइयां खाई हो, पहले अच्छे से विरेचन वेचन कराओ, इसके बाद दवाइयां खाना, वमन कराओ। बोली नहीं, वमन नहीं कराऊंगी मैं, वो तो कभी नहीं कराऊंगी। बोले ठीक है। तो फिर मैं वही साथ में दवाइयां चलाई, और सिर्फ तपेदि लो था, और सिर्फ समन के लिए और पाचन के लिए दवाइयां चलाई थी सर। इतना अच्छा उसको रिजल्ट आया, खाना नागनी वगैरह अच्छी हो गई, आरोग्यवर्धनी, और ये आम पाचक बट्टी और त्रिफला गुगुल और साथ में ये रस पाचक वगैरह साथ में चलाई थी, इतने से ही उसको इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी हम लोग बहुत माथा पच्ची करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, उसको इतना अच्छा आ गया। तो ऐसा है सर, अग्नि पे काम हो जाता है तो अपने आप ही वो सब चीजें सुधरने लगती हैं। जी, आपका बात 100% सही है, लेकिन अगर आप पिक्चर दिखा देंगे ना तो हम लोग जो विजुअलाइज मेमोरी रहते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है। आप पिक्चर हाँ। दिखाएंगे तो वो याद हो जाएगा कि हाँ ऐसा फायदा हुआ था। जी सर, जी सर, वो अभी 2-3 दिन के बाद आएगी, उसका थोड़ा सा वो भी ले लूंगी, 2-4 वाइट भी लूंगी, इंटरव्यू भी ले लूंगी, उसको भी डाल दूंगी। और पैर वाला जो एक्जिमा का है सर, उसमें मैं बहुत पहले एक बार प्रयोग की थी, ये अपमार्ग का होता है जो पत्ती, उसका स्वरस लगाने पर वो जल्दी रिकवर होता है। कुछ ऐसे गंधक रसायन रसमाणिक रूपवर्धनी ये सब चलाने के साथ में सारी बात दसो, तो वो पत्तियों ने बहुत काम किया। पता नहीं इसके मैं करता ही नहीं, एक बार लगा के देखती हूँ। और हाँ सर, इसको वो दी थी मैं ऑयल लगाने के लिए, निम्बादी और इसको एसोरियन ऑयल आता है उसको मिला करके दी थी मैं। इतने से बहुत भागते हुए आए हैं तो उन्हें फायदा मिला है इनको। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। आप ये लिख भी दीजिएगा क्या क्या दिया है, तो लोग और सोचेंगे समझेंगे। जी सर, वो उसका आएगी 2 दिन के बाद, बुलवाई हूँ उसको कि अब नस से भी ले, क्योंकि रुक्षता भी बहुत है, और स्टडी कर रही थी, बाहर का खा रही थी सब, जितना मोमोज वोमोज ये सारी चीजें खूब खाई पी है सब जी। तो उसका पूरा हिस्ट्री ले। मोमोज तो चाइनीज है ना फूड आइटम, ये चाइना का सब चीजें है, यहाँ लोग क्यों खाते हैं यहाँ सब? मैदा है, वो सारी चीजें है, उसमें तीक्ष्ण रहता है बहुत मसाला, उसके अंदर बहुत तीखा लहसुन लहसुन पड़ा रहता है जी। तो उसका पापा बोलता है कि कहीं मोमोज मिल गया मतलब गाड़ी रुकवा के खाती है वो। अच्छा, ये खान पान का था सर उसका हेतु, इसी ही मिला कि रात्रि जागरण और खान पान में सब था, लंबे समय से परेशान है बहुत ज्यादा, शादी रुकी हुई है कि एकदम जीर्ण छीण दिख रही है। उसका पापा कहा कि कैसे बस इसको मोटा करिए और जल्दी से इसका जितना लगे वो करिए, लेकिन बीमार ठीक हो, और बस मेरे को 6 महीने के अंदर इसकी शादी करनी है। बोले ठीक है, ठीक है। यस सर, ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने, थैंक यू। आपने हमारे प्लेटफॉर्म का इतना ज्ञानवर्धन किया यहाँ सभी लोगों का, थैंक यू आपका। नहीं सर, सब आपसे मिलता है सर, थैंक यू सर आपका। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी बोलिए। जी सर, सॉरी सर, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, क्लिनिक से आ रही थी ना, तो फिर
आप पहले बताइए, आपकी बच्ची का कैसे आंख है, वो जो थी बहन की बेटी? भैया की बेटी है सर वो। हाँ, भैया की बेटी। हाँ सर ठीक है, वो अभी उसका वो टेस्ट नहीं करवा पाए, जब टेस्ट हो जाएगा तब मैं नहीं, रिपोर्ट शेयर बस करूंगी। ये जानकारी के लिए ये बताइए कि पहले क्या तकलीफ था और अभी क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, बस ये बताइए सभी लोगों को। सर उसका मैक्यूलर डिजेनरेशन है, डॉक्टर्स ने उसको बोला था कि ये हेरिडिटरी है, लेकिन मतलब किसी फैमिली में किसी को मतलब ये प्रॉब्लम दिखती नहीं है, उसी में आई थी तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती थी, हेडेक होता था। अभी उसने पिछले 4-5 महीने पहले मतलब 3-4 महीने उसने कॉन्टिन्यूस बस्ती और नस से लिया, और वो आपने जो मेडिसिन दी थी वो सारी ली, तो अब उसको हेडेक नहीं होता है। ये वाली प्रॉब्लम उसकी सॉल्व, अब देखने में भी हम लोगों को लगता है कि मतलब इम्प्रूवमेंट है। वो भले कहती है कि नहीं है, पर हम लोगों को फील होता है कि पहले से मैं एग्जाम बेटर लिख हुआ है। पाई ना, एग्जाम हाँ लिख पाई एग्जाम ना। हो गए हैं सर, उसके एग्जाम हो गए हैं, 10th का बोर्ड था उसका इस बार, तो अभी जस्ट फ्री हुए हैं। भैया लोगों का भी ये IT की जॉब है तो बहुत बिजी रहते हैं, तो थोड़ा उसके लिए टेस्ट वेस्ट के लिए थोड़ा टाइम निकल नहीं पा रहा है, तो उसके फिर रेटिनोस्कोपी करवानी है ना सर, फंडोस्कोपी, हाँ रेटिनोस्कोपी, पंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी। हाँ तो उसकी रिपोर्ट है। ठीक है, तो आप एक बार चेक करा के फिर और ये कंटिन्यू करिए, मज्जा धातु को और तर्पण होना चाहिए। जी सर, जी सर, मेरे को तो लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए और मेडिसिन, लेकिन तो इसीलिए मैं उनको करवाने के लिए कह रही हूँ, जब वो अब उनको पता चलेगा ना कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तब वो आगे कन्विंस होंगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, आप पहले बताइए कि क्या क्या दवाई था, आपको याद है? सर आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं उसमें ब्रहदवासकारी कषाय आपने पूछा मुझसे कभी क्या दिया है, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो बृहदवासकारी कषाय का चूर्ण दिया था, है ना? सप्तामृत लो। हाँ, फिर मैंने हाँ सूक्ष्म त्रिफला दिया था, पंचामृत लौ गुगुल दिया था, और त्रिफला गुगुल दिया था मैंने, और फिर मैंने पंचामृत परपटी दिया था, क्योंकि मुझे मज्जा धातु को पित्त धरा कला को चेक करना है, इसलिए परपटी दिया था मैंने, पंचामृत परपटी दिया था। फिर मैंने एक मैंने पढ़ाया था नेत्र वृक्षवटी आंखों के लिए, वो मैंने दिया था, यही सब दिया था मैंने, तो उससे फायदा हुआ। और नस से आप शीरबला का दे रही होंगी, छीरबला का वो तो पता है सर, नस्य और बस्ती छीरबला ऑयल की। और वो दे रही थी त्रिफला घृत आप, और नॉर्मल घी। हाँ नॉर्मल घी, त्रिफला घी तो वो ज्यादा नहीं खाए, पर नॉर्मल घी ही दे रहे थे, और हाँ बृहदवास का अधिक कषाय सर। जी हाँ सर, अगर सर मैं किसी एक को दवाई भेजता हूँ और किसी को नाम जानना है, तो आप मुझे बोलिए ना कि आप क्या दवाई भेजे हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसमें ये मत करिए कि ये क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया, ये कट करेंगे, ऐसा इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। नहीं सर, आपके ट्रीटमेंट पे तो कभी इफ और बट वाली तो बात ही नहीं होती हाँ, लेकिन आप लोग है। मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या दवाई दिया है, आपको जानने का अधिकार है। जी सर, सर एक केस मुझे डिस्कस करना था करिए करिए, सब लोग हैं, आप करिए। सर। एक मेल पेशेंट है 35 इयर्स का, तो जी उसको बार बार मूत्रदाह होता है, मतलब मॉडर्न के अकॉर्डिंग उसको बार बार UTI हो जाता है, वो लोग कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, उसके हिसाब से उसको एंटीबायोटिक देते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, वो बार बार रिकवर हो जाता है। और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका पोस्ट वॉइडल जो यूरिन होता है वो 40-80 ml उसका रहता ही रहता है, अल्ट्रासाउंड में कोई फाइंडिंग नहीं है, मतलब ये फिर भी रहता ही है। तो फिर वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको उनका हेतु जो था वो चटपटा बहुत खाते थे और मिर्ची भी खाते थे, तो वो सब बंद करवाया है। उनको मैंने दिया था शीत प्रभा दिया था, चंद्रकला रस दिया था, रस पाचक दिया था, आरोग्यवर्धिनी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षराधि गुगुल, ये सब दिया था सर। वो अभी कह रहे हैं कि उनको अल्टरनेट डे बर्निंग होती है, मतलब डेली नहीं होती, अल्टरनेट डे बर्निंग होती है, तो ये मेरे को एक तो समझ में नहीं आता है, और दूसरी चीज सर उनके मतलब मानस भी उनका मतलब ध्यान उसका उनपे पूरा उसी पे रहता है, उसी चीज पे रहता है कि हाँ मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज भी मुझे लगी सर। इसमें हम क्या दे सकते हैं सर? ठीक है, मैंने उनको वो भी दिया था सर, निशा आंवले की टेबलेट थी वो भी दी थी कि रिकरेंट UTI हो रहा है, तो लेकिन मतलब जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिल नहीं पा रहा है। नस्य के लिए भी बोला था सर उनको, एक आपने सिटिंग उन्होंने वो पूरा ली। केस टिकिंग तो किया नहीं होगा, सर मूत्र अब वेग का अवरोध कर रहे हैं या उद्गीरण कर रहे हैं? अर्शिया मैम ने कैसे निकाला था सर का सर मूत्र मैंने वेग का? पूछा था, उन्होंने एज सच कोई हिस्ट्री दी नहीं, वो उन्होंने चटपटा खाने की हिस्ट्री दी थी कि वो चटपटा बहुत खाते हैं, और अच्छा, वो कह रहे थे कि यूरिन में उनको प्रेशर लगता है, मतलब जब वो यूरिन जाते हैं तो प्रेशर लगता है उनको, प्रेशर लगता है मतलब क्या, प्रेशर देते मतलब हैं प्रेशर कि? फील होता है, मतलब प्रेशर दे के फिर उनको करना पड़ता है, तो हाँ, मे तो भी तो कुछ उद्गीरण, यही चीज जबरदस्ती वो प्रवाहन कर, मतलब उद्गीरण कर रहे हैं उसको।
क्योंकि सर उनका वो एम्प्टी नहीं हो पाता ना, पूरा ब्लैडर वहां पे रुक रहा है, हाँ, तो रिटेंशन हो ये रहा है। वेगान धारित न उदीरित, उसी से बार बार उनको यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। और अगर आप सोनोग्राफी करा के देखेंगे ना, तो अंदर जो ब्लैडर का लेयर होगा वहां पे ऐसे पैथोलॉजिकल कुछ लेयर ऐसे दिखाई देगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ दिखाई देगा। उनको सिस्टोस्कोपी कराने के लिए बोला है हाँ, तो उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट और जरूर आपको एक रेडियोलॉजिस्ट लेयर दिखेगा जो पूरा बैक्टीरिया का पूरा कॉलोनी 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 ऐसे दिखाई देगा। सर। वैसे इसमें उत्तर बस्ती अच्छा काम करेगी ना, पर पता नहीं पेशेंट तैयार होगा कि नहीं होगा। हाँ, आप सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए ना, चंद्र प्रभावटी और हमारा तंडुलोदक, उससे फायदा हो जाएगा। तंडुलोदक के लिए मैंने उनको बोला था सर, उन्होंने लिया नहीं। और मिर्ची भी वो अभी भी मतलब मिर्ची वाला तो उनका चल ही रहा है, मतलब दो लोग हैं वो फैमिली में और एक उनकी छोटी बच्ची, और फिर कहते हैं हम लाल मिर्ची नहीं खाते, हरी मिर्ची खाते हैं, दो मिर्ची डालते हैं। तो मैंने कहा दो मिर्ची भी बहुत है दो लोगों के हिसाब से। तो जी, तो ठीक है क्यों तन खाते हैं, क्यों खाते हैं? सर, कुछ लोगों की आदत होती है उनको चटपटा, पित्त प्रकृति भी है उनकी, और ऊपर से वो तीखा भी खाते हैं ज्यादा। तो फिर और सर मैंने उनको तंडुलोदक भी बोला था, उसी रासव भी दिया है, मतलब जितनी पित्त शामक चीजें होती हैं वो सब जी दी था। लेकिन उनको, और फिर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर कि अल्टरनेट डे क्यों मतलब हो रहा है, मतलब होगा तो फिर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक दिन होता है एक दिन नहीं होता है, ये चीज समझ में नहीं आ रही सर। या फिर उनके हाँ, मानस की वजह से ऐसा उनको फील हो रहा है। एक दिन वो ज्यादा पानी पीते होंगे, एक दिन कम पानी पीते होंगे। हाँ, सर बोलिए बोलिए, किसी ने कुछ नहीं बोला आपने है? बोल, हाँ, नहीं वो एक दिन ज्यादा पानी पीते एक दिन कम पानी पीते। मैम अर्शिया हम इस पे हंस रही थी। मैम उसको आपने ये दिया है कामधुदा वगैरह प्रवाल पंचामृत ऐसे कुछ? दिया है मैम कामधुदा दिया है, मतलब पित्त शामक जो होती है ना वो मैंने दी है सारी और अनुलोमन दिया कुछ? जी मैम, अनुलोमन दिया गंधर्व हरित की। अच्छा, और मानसिक क्या ऐड किया आपने? मानसिक के लिए मैंने नस्य दिया, मेडिसिन बहुत ज्यादा हो रही थी तो मानस मित्र वटी बस मैंने एक ऐड की थी। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको ट्रीटमेंट को? अच्छा, मैम अभी नियर अबाउट 10 डेज होने वाले हैं। उसकी अग्नि यूटीआई की अच्छी हिस्ट्री, है? अग्नि ठीक है मैम, भूख लगती है उनको अच्छी। कुछ घृत वगैरह दिया है आपने? घृत मेडिकेटेड के लिए तो उन्होंने मना किया मैंने, लेकिन उनको कहा नॉर्मल घृत मैंने उत्पीड़क के रूप में उनको बोला है खाने के लिए। अच्छा, ओके। हाँ, वैसे तो आपका सब ट्रीटमेंट अच्छा ही है, मानसिक ही लग रहा है थोड़ा। जी मैम, मतलब वही चीज में थोड़ा एक वो करती है ना कि मतलब अगर है प्रॉब्लम तो वो होनी चाहिए कंटिन्यूअस, ऐसे कैसे कि एक दिन हो हाँ, रहा एक है दिन पर है। नहीं, एक हाँ दिन नहीं हो रहा है, हाँ तो हाँ तो उनका कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कुछ तो। साइकोलॉजिकल है। तो मैंने उसके लिए नर्स से बोला था, अभी उन्होंने एक सिटिंग ली है, देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मानस पे मुझे लगता है काम करना। आप लोग और कुछ गाइड कर सकते हैं, आप लोग प्लीज बताइए। मैम, छील पाक दिया उनको? तो गोक्षुरे गोक्षुरादि गुग्गुल दिया वरुण है मैम, क्षीर पाक तो नहीं दिया। छील पाक अच्छा काम करता है, वरुण का, गोक्षुरे का, जी मैम, वहां पे जाके काम करेगा। और उनका नाड़ी देखिए ना मैम, क्या है, वातज कफज है या वातज पित्तज है, या वातज पित्तज कफ अनुबंधित है, उसको लिखिए पहले। वहां थोड़ा ब्रेक करिए उनका, जो जी मैम, संपत्ति है वहां जी ब्रेक मैम, करके चलेंगे मैम, तब फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैम एक और चीज, उनको हाइड्रोसील भी है। हाँ, वही कुछ तो है ना वहां पर, कहीं हाँ अपान वायु मतलब ना। है, गड़बड़ है उनकी। हाँ, तो इसीलिए दिक्कत थोड़ा मैम वहां पर। और अभी आपको सब चीज मिलेगा, थोड़ा और समय दीजिए उनको। जी मैम, तो हाइड्रोसिल के लिए लेपन वगैरह करिए, और चंद्र प्रभापति तो दे ही रहे हैं, तो जी मैम, वरुण चंद्र प्रभापति ये भी अच्छा काम करता है। वंग भस्म में भी दीजिए उनको, साथ में ग्रुप करिए, स्वर्ण वंग जी मैम, वगैरह। हाँ, मेरे पास भी अभी ऐसे पेशेंट चल रहे हैं, उनको दे रही हूँ, लाभ है उनको तो बहुत, 70% बेनिफिट मिला है। और जो खान पान उनको बता रहे हैं ना कि हमको लेना ही है, थोड़ा सा उनको और पथ्य पे रखिए, पथ्य जी मैम, का पालन करेंगे, फिर शिलादीप वगैरह भी साथ में, फिर वस्ती वगैरह देंगे उनको साथ में ना, वायु का अनुलोमन करके वस्ती मैम वस्ती किससे देंगे। दें?
बस्ती आप छिरवला का ही दे सकते हैं मैम, सेक्चर का दे सकते हैं, सेक्चर का बेस्ट रहेगा, बस्ती देंगे जल्दी फायदा मिलेगा मैम। और वहाँ लोअर एब्डोमेन पे ना वो करिए, थोड़ा पीछे उदाहरण कराइए, रुक्ष श्वेत करिए, रुक्ष श्वेत करिए, लोकल एप्लीकेशन भी करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पिचू किसका धारण करें, छीरबला का या फिर एरंड तेल का? एरंड का करिए मैम, सहचर का करिए, और थोड़ा सा पत्र भी श्वेत दीजिए उनको, जैसे एरंड पत्र है या आग पत्र है तो उसमें लगा करके ऑयल को, थोड़ा गर्म ऑयल लगा करके और पेट के ऊपर रखें, सेक करें तो सोप का भी मिलेगा, संकुचन भी होगा और श्योर उनको एक आध हफ्ते में बेनिफिट मिल जाएगा मैम। साथ साथ में थोड़ा गोपछरू वगैरह डाल करके ना अनुवासन बस्ती भी कराइए उनका, इसी पे काम करिए। और दूसरी बात है कि ये खा रहे हैं ना तो थोड़ा पथ्य का भी ध्यान करिए। जी मैम, मैम मैंने वैसे कहा तो है उनको ये मिर्ची और ये सब बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा तभी वो हो पाएगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा ऐसा बोलेंगे, एकदम से कहेंगे बंद करना पड़ेगा तो वो आना भी बंद कर देंगे। जी मैम, और स्नेहपान करेंगे तो मिर्ची खा रहे तो भी थोड़ा सा कम तो होगा, थोड़ा स्नेहपान भी करेंगे। जी मैम, रिजल्ट बताइएगा। जी मैम, श्योर मैम, थैंक यू मैम। आवाज आ रही है? हेलो, जी मैम आ रही है। हाँ जी मैम आ रही है, बोले प्लीज। शशि मैम कुछ बोल नहीं रहा आज। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। आज सर पढ़ाए थे उसमें जल का नस्य देने के लिए, तो उसमें कुछ बताएंगे आप क्या कौन सा वाला में? पॉलिप के केस में? हाँ नहीं नहीं आज आज शायद उसमें नहीं थे आप, ऑप्टिक एट्रोपी में ना जल का नस्य। हाँ मैम, मैं एक्चुअली मैंने ना उस टाइम पढ़ा कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो मैंने सोचा कि क्लास नहीं होगी, फिर मैंने मोबाइल में, मेरी आदत नहीं है ऐसे नहीं उठाती। ये नई चीज है लोगों के लिए, नई चीज है, इसका प्रयोग जो भी करें उसमें प्लेटफॉर्म में जरूर बताएं। सलाइन वाटर का? सलाइन वाटर नहीं, मतलब वाटर का ऐसा कुछ क्लासीफाई नहीं किए कि गर्म है, ठंडा है, सलाइन है, बट जल का नस्य देना ये फायदेमंद बताए थे। अच्छा, क्योंकि जैसे देखिए जल का नस्य में करके से जल नीति भी सो सकते हैं, तो उसमें भी जल अंदर जाता है। कुछ मात्रा और... तो जाता ही है अंदर, जाता ही है। और जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जब कुछ नहीं समझ में आता है या जो नेजो क्लियर आता है तो उसको आप पढ़ेंगे तो कम्पोजिशन में उसमें NaCl ही होता है, तो मॉडर्न वाले भी देते हैं, तो अकेले जल का भी नस्य दिया जा सकता है। हालांकि कभी सोचा नहीं, सुखोष्ण टेम्परेचर पर करके ट्राई करेंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम कुछ बताएं या किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलें। अजय जी बोलना चाहते हैं, बोलिए है डॉक्टर साहब। अजय जी मेरे को होस्ट बनाइए, यहाँ लाइट चला गया था तो मैं शेयर स्क्रीन कर दूंगा। होस्ट इस वक्त मनीषा मैम, आप मनीषा मैम मनीषा मैम मेरे को होस्ट बनाइए। मनीषा मैम का म्यूट है। मनीषा मैम जब आएंगी तब बात करें, मेरे को होस्ट बनाइए मैम। एक मिनट, यहाँ पे लाइट चला गया था। ठीक है, कोई कोई न्यू लोग भी आए हैं, डॉक्टर पूजा करके कोई आई है, RBS के MO, और कोई अश्विनी कुमार राठौड़ जी आए हैं, और अजय जी ने हैंड रेज किया है सर, उनको स्पॉटलाइट करते हैं, वीडियो ऑन करा के बात करना है। अजय जी अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करिए भाई। डॉक्टर साहब जी मैम। हाँ जी सर, बताएं क्या बात करनी थी आज आपको? हमें मैम कोई बात नहीं करनी थी, वो ये गलती से हैंड रेज हो गया था। चलिए कोई बात नहीं,
जी मैम जी सर, हमें हैंड ऑफ ही नहीं करना आता ना। नहीं है, वही जहाँ से आपने हैंड रेज किया था वहीं पर लोअर दी हैंड ऑप्शन लिख कर आता है, ठीक है। जब चैट वाला ओपन करेंगे जो थर्ड वाला लास्ट में मोर ऑप्शन होता है ना, वहां से हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, सर हो गए होस्ट? सर का लग रहा है फिर से चला गया क्या? नहीं है तो आप ही हैं होस्ट, आप ही होस्ट हैं। शशि मैम मुझे होस्ट बनाइए। हाँ सर मैं बना रही हूँ, एक मिनट। जी सर हो गया। ठीक है जी सर। अभी अश्विनी कुमार राठौड़ जी आए, कोई पेशेंट है क्या आप? अश्विनी कुमार राठौड़ जी। सर मैं वैद्य हूँ। जी सर, आप कहाँ से? धन्यवाद सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। अपने बारे में कुछ बताएं डॉक्टर साहब। मैडम मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ आयुर्वेद का। शायद आवाज ही नहीं जा रही है जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर पूजा जी करके कोई आई है? डॉक्टर पूजा जी नहीं, कोई वो आई थी चली गई। ठीक है, आप लोग कोई केस बताना चाहें बता सकते हैं ये। अच्छा आप ठीक है वो जी सर, मैं ही हूँ वो। मैंने आज डायरेक्ट ज्वाइन किया ना तो वो नाम चेंज हो गया, जॉब वाला नाम आ गया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आप आरबीएस के मेडिकल ऑफ? हाँ सर, आरबीएस के करके जो प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा अच्छा जी सर जी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? हाँ सर, मेरे को पूछना, मनीषा मैम भी बोल रहे थे ना जब आपने ऑप्टिक ट्रॉफी वाली क्लास ली होगी तो उसमें आपने जल का नस से करने को बताया ना। हाँ आप वो मैंने पीडीएफ भेजे, वो देख लीजिए आप, उसमें चक्रदत्त का है वो एक रेफरेंस जिसमें जल का नस से बताया है। नहीं मतलब उसको सुखोष्ण करेंगे और कि ऐसे नॉर्मल? अभी देखिए नॉर्मल मुझे क्या है, मेरे पापा का एचबी लेवल 5 हो गया है अभी तो ना, मुझे अभी तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाना है आईसीयू में। आप शशि मैम मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप इसको सेशन को अटेंड करिए, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मैं लीव करता हूँ, मुझे जाना है अर्जेंट। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप निकलिए, प्लीज उनका ख्याल रखिए सर। थैंक यू सर। हाँ जी, किसी वैद्य को कुछ बोलना हो या बताना हो? हाँ डॉक्टर सुनीता मैम आपने अनम्यूट किया, मैम क्या बोलना चाहते हैं? प्रणाम मैम, एक्चुअली सर को बोलने वाली थी, वो चले गए। वो जो उन्होंने भेजा ना पीडीएफ आज के उसका लेक्चर का, वो सिर्फ एक पेज है, मतलब वो बहुत बहुत कुछ बताया था सर ने। वो चीजें जैसे अभी बोल रहे थे कि वो चक्कर पानी का है, ये जलनस वगैरह, वो चीजें पता नहीं बाय मिस्टेक हो गया कि सर ने पूरा भेजना भूल गए या कैसे है। नहीं आपने पढ़ लिया? हाँ जी मैम, वो तो सिर्फ स्टार्टिंग में उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, बताया था, बस वही है उस पेज पे, तो शोरा 1 पेज पीडीएफ ही है, जबकि और भी इन्फॉर्मेशन थी तो मुझे लगा शायद बाय मिस्टेक सर भेजना भूल गए, यही पूछना था उनसे। अच्छा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, सर कल आ जाएंगे तो सर को तो अभी इमरजेंसी है, कोई बात नहीं। मैम कुछ बताना चाहें तो बताएं आप। बताना तो नहीं मैम, ये पूछना था कि जैसे हम हर केस हिस्ट्रीज लेते हैं या कुछ है, हर किसी में हम हेतु की बात करते हैं, ये वेगा उदाहरण हो गया, सभी के कॉमन से हैं, मानस के हो गए, लेट नाइट जागना, मतलब बहुत सी कुछ ऐसे चीजें हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, जॉब्स की ऑब्लिगेशंस हैं या कुछ भी है, बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको मतलब अप टू अ मेजर एक्सटेंट हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब हमें बात तो ये है कि ये हेतु तो मतलब रहेंगे ही रहेंगे, थोड़ा कम किए जा सकते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए मेरे हिसाब से कि इस तरह के लाइफस्टाइल में के रहते हुए हम उसका सलूशन क्या निकालें कि जिससे हम मतलब डिजीजेस को कम कर सकें या सीवियरिटी को कम कर सकें, उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस और समथिंग लाइक दैट,
क्या किया हाँ मैम, जाए? देखिए मेरे को थोड़ा थोड़ा जो पता है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके अलावा मनीषा मैम और कंचन मैम और सारे लोग हैं वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। देखिए एक तो होता है कि रात्रि जागरण हम जैसे जॉब की वजह से करते हैं, जिन लोग की नाइट शिफ्ट होती है उनकी बात मैं कर रही हूँ। नाइट शिफ्ट में डॉक्टर्स का तो अधिकतर होता है कि आपको अच्छी तरीके से पता है डॉक्टर्स नाइट शिफ्ट कहने को करते हैं, मेजोरिटी मेरे ख्याल से 90% डॉक्टर्स होते ही हैं, क्योंकि कभी काल को ही रेयर ही इमरजेंसीज आती हैं और कभी भी नाइट में एक डॉक्टर की ड्यूटी नहीं होती है, हमेशा दो होते हैं, तो अल्टरनेट करके, या गार्ड की जॉब होती है तो जहाँ पर नाइट ड्यूटी में होती है वहां पर भी दो लोग की होती है नाइट में हमेशा, तो वो लोग डिवाइड करके सोते हैं, पहली बात तो ये है। और वहां पर फिर चलो नहीं भी सोते हैं तो वहां पर सोल्यूशन ये दिया है वाग्भट वगैरह में कि रात्रि जागरण मान लीजिए आपका 8 घंटे का हुआ तो आप दिन में 4 घंटे सो सकते हैं, मतलब रात्रि जागरण वाली हिस्ट्री है तो आप दिन में उसका आधा सो सकते हैं, तो रात्रि जागरण का तो पहला एक चीज ये हुआ। दूसरी बात आप सोचेंगे अगर बहुत ईमानदारी से हम देखें अपने सिस्टम को या लोगों को, तो मेजोरिटी लोग अपनी जॉब जॉब की वजह से नहीं रात भर जागते हैं, लोगों की गंदी आदत पड़ चुकी है कि मोबाइल में मस्त हैं, या मोबाइल जब नहीं था तो मोबाइल से पहले लोग टीवी देखते थे, रात के 12-1-1 बजे तक बैठकर टीवी देख रहे हैं, तो ये कोई आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप टीवी ऑपरेट कर रहे हुए हो और टीवी में फिर ऐसी चीजें देख रहे हो जिसमें आपका दिमाग लगा हुआ है फालतू का, तो आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी है। और हर इंसान को अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल खुद बनानी पड़ेगी, मतलब अनुशासन क्या होता है शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन एक बार बंध जाता है तो अच्छा हो जाता है। तो पहले लोगों को पता हो, लोगों को क्या है ना कि पता ही नहीं है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उठना जागना सोना सब कुछ करते हैं। तो बहुत ईमानदारी से देखोगे तो मेरे ख्याल से इंडिया के 10% पॉपुलेशन भी ऐसी नहीं होगी जो सारे नाइट शिफ्ट करते हैं, है ना, वो बहुत रेयर परसेंटेज होती है, उनको भी आप एक बता सकते हो। तो रात्रि जागरण का तो एक ये सिस्टम नजर आया कि दिन का आधा उसमें सोना है और बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। अब जैसे नॉर्मली अभी देखो कल एक पेशेंट आया था ना, आपने देखा था मैम, जो इसको स्किन की प्रॉब्लम थी पैर में, जी, तो उस बच्चे की हिस्ट्री ली जा रहे थे तो नॉर्मली 11-12 बजे सोकर 8 बजे उठता है, अदरवाइज पढ़ लिख रहा है तो 2-3 बजे सोकर के 10-11 बजे सोकर उठ रहा है। अब ऐसा नहीं, उस बच्चे को मैं ऐसे कई सारे लोग को मैं जानती हूँ जो दोपहर में 12-1-2.5-4 बजे सोकर उठते थे, आप ये सोचो वो पूरी पूरी रात जागते थे, मतलब उनका सोना ही सुबह शुरू होता था 4:30-5 बजे, और उसी जॉब स्टाइल में कोई दूसरा बंदा रात में 9-10 बजे सो जाता था। तो ये बहुत कुछ हमारी चॉइस पर भी डिपेंड करती है हमें, क्योंकि पहले पता नहीं है कि हम रात्रि जागरण करेंगे तो उसके क्या मतलब ड्रॉबैक आएंगे, तो जनता को या लोगों को अवेयर कराना भी हम लोग की ड्यूटी है। या जैसे पुराने टाइम में लोग बहुत ध्यान देते थे कि सूर्यास्त के बाद जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके सोना है, और सूर्योदय से काफी पहले लोग मतलब एक अंधेरा होता था तभी लोग उठते थे, इस चीज को हम प्रमोट करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि हम ऑब्लिगेशन लगाएंगे बट उसको दिल से करेंगे। जैसे अगर आप ये सोचो कि हम उससे उठेंगे अलार्म लगाकर, तो अलार्म लगाकर उठना बेवकूफी है क्योंकि अलार्म लगाकर जब आप उठेंगे तो आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो उसकी वजह से तकलीफ आएगी, तो अलार्म लगाकर नहीं उठना है। जैसे शिवानी जी बोलती हैं कि नेचुरली आप रात में जल्दी सोइए तो सुबह जल्दी उठेंगे, तो एक तो ये चीज ये हो गई। दूसरी बात होता है कि जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त अति चिंतन करते हैं, और वो आजकल मेजोरिटी लोग की आदत हो गई है, या हम टीवी या मोबाइल यूज करते हुए खाना खाते हैं, तो टीवी या मोबाइल में जो आप देख रहे हो जो आप समझ रहे हो मतलब कि उसका हार्मोनल इफेक्ट आपके ऊपर इमोशनल बनता ही है बनता है। तो खाना खाते वक्त अगर आप चिंतन करते हुए खाना खाते हो, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में सारी मतलब उसी वक्त बहस करनी होती है तो उससे वात और पित्त का प्रकोप होता है, तो ये सब बहुत सारी आदतें जो है मैम वो लोगों को बतानी पड़ेंगी। और जैसे बाबा रामदेव ने एक बार बहुत पहले कहा था, मैंने सुना था कि पुराने टाइम में जैसे हम लोग से आज से आप चले जाओ 35-40 साल पहले और बचपन में मतलब हम लोग के पेरेंट्स के, तो उस टाइम में ऐसा होता था कि लोगों के घर में कढ़ाइयां तब चढ़ती थी जब कोई फेस्टिवल होता था, मतलब आप ज्यादा कफ वर्धक आहार विहार समझो एक तरीके से, आप गुरु अन्न जो है सिंपल वर्ड में मैं इस्तेमाल करूं तो गुरु अन्न सिर्फ फेस्टिवल्स में बनता था। अभी क्या है आज की डेट में हर इंसान के यहाँ डेली लगभग गुरु अन्न बनता है, तो जब डेली गुरु अन्न खाओगे तो आम का बनना ही बनना है, तो उस चीज को हमें बताना है कि अगर आपको खाना है। अभी मैं किसी का लेक्चर भी सुन रही थी तो उन्होंने भी कहा कि ये जो भारी चीजें हैं या कुछ भी खाने पीने का मन करता है इसको आप बना लीजिए कि त्योहार त्योहार पर भी हम खाएंगे, या मैं कहती हूँ मान लो आप बना लो कि मंथ में मैं एक बार ही कुछ खाऊंगा ऐसा जो भारी होता है। और जैसे नुरिता मैम बहुत अच्छी सी चीज करती हैं कि आज आपने भारी अन्न खाया है तो कल एटलीस्ट दोपहर तक आपको पूरा पूरा मतलब फास्टिंग करना है, फिर कुछ भी नहीं खाना है, पानी बस पी सकते हो गर्म पानी या इस तरह का कुछ भी, मान लो जीरा साध्य
फांट पी लिया या कुछ भी इस तरह की चीजें पी ली जिससे उसका पाचन हो जाएगा तो तकलीफ नहीं होगी। तीसरी बात, एक चीज और मैम, अगर आज की डेट में नोटिस करोगे तो मेजोरिटी लोग के साथ है, कोई भी इंसान फिजिकल वर्क नहीं करता है। तो जब फिजिकल वर्क नहीं करते हो तो पसीना नहीं बहता है, और जब पसीना नहीं बहता तो फिजिकल वर्क से या व्यायाम से या योग से दो तीन चीजें होती हैं जो है दोषों का क्षय और अग्नि की वृद्धि, तो वो भी आजकल लोगों के नहीं हो रहे। तीन सारी चीजों के लिए हमें पेशेंट्स को बताना पड़ेगा। और जैसे आप कई बार होता ना कंफ्यूज कि पर्टिकुलर किस आदत की वजह से हमारे को तकलीफ हुई, जैसे कल का जो बच्चा था उस बच्चे ने खूब मिर्ची मसाला ये सब मोमोज मैगी बर्गर जो भी कह सकते हो आप सब कुछ खाता था, तो आपको मालूम है कि अति उष्ण अन्न पान का अगर सेवन होगा तो पित्त कुपित होगा, उससे रक्त धातु को दूषित किया था तो उसने रक्त के नजर आए। और कुछ लोग की प्रकृति भी वैसी होती है या सराउंडिंग ऐसी होती है या माँ बाप से उनको जेनेटिकली ऐसा मिला होता है, बाय बर्थ जब इंसान पैदा होता है तो भी उसकी प्रकृति। हालांकि बच्चा सितंबर का बॉर्न था तो मुझे अभी पांच भौतिक का वो कंसेप्ट नहीं याद है प्रकृति वाला कि उसकी वेदर में बनेगी कि क्या बनेगी, तो ये चीजें हो जाती हैं। और गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस मैम, गुड इवनिंग। अभी जो क्वेश्चन जिन मैडम ने किया था, या गुड इवनिंग एवरीबॉडी, चार पांच दिन नहीं थी मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया। तो जो भी लोग आयुर्वेद में इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिस बढ़ाना है, स्पेशलाइजेशन करना है या और प्रैक्टिस को एनहांस करना है, तो आप कल्प को याद करने की बजाय या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसी से लिखा के लेने की बजाय या सीखने की बजाय सबसे पहले ये देखिएगा कि हेतु भी बदल रहे हैं, व्याधि की संप्राप्तियों में एडिशन वाले जो भी चीजें हैं जो कि पारंपरिक हमारे सांस्कृतिक इसमें जो भी हमारे आचार्यों ने बताया उसके अलावा भी कोई भी हेतु आप लेंगे तो वो जाके त्रिदोषात्मक संप्राप्ति ही क्रिएट करेगा। वहां पे प्रकोप लक्षण या क्षयात्मक लक्षण या वृद्धि लक्षण ही हमको दिखेंगे, एंड अल्टीमेटली हमारा सप्तधातु विकृति करके विकार निर्माण करेगा। अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर इंटू आयुर्वेदा बनना चाहते हैं तो निदान पंचक में निदान, मतलब ऐसे समझे कि अगर इतने सारे आचार्यों ने जो भी क्लासिकल हमारा एग्जामिनेशन है, रोग परीक्षा रुग्ण परीक्षा दोनों भी, रोगी की भी परीक्षा रुग्ण रोग की भी परीक्षा, इनके पैरामीटर्स ही इस पे बताया कि आप प्रकृति देखो, विकृति देखो, सार देखो, संवनन देखो, उनका साथ में क्या है वो देखो, असाथ में क्या है वो देखो, प्रमाण देखो, आहार विहार और उनकी शक्ति देखो, उसके हिसाब से ये नॉर्मैलिटी जो आप ढूंढ के निकालते हो। तो गंगाधर जी भी कहते हैं कि बीज इज निदान, कोई भी व्याधि का बीज मतलब निदान होता है, और वैसे चक्रपाणी कहते हैं कि निदान इज द कारण ऑफ एनी डिजीज। अगर आप उन कारणों को, भाई ये तो होने ही वाले है, पेस्टिसाइड तो सब में डला होता है, रात्रि का जागरण तो होने ही वाला है, और मैम ने अभी जैसे बताया, तो आप सिम्टोमेटिकली बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, जो कि मॉडर्न में भी ट्रीटमेंट है। पेन हो गया पेन किलर दे दीजिए, इन्फेक्शन हो गया एंटीबायोटिक दे दीजिए, इन सारी चीजों से एसिडिटी बढ़ता है, गैस्ट्राइटिस बढ़ता है, एंटासिड दे दीजिए, पीपी इनहिबिटर्स दे दीजिए, अगर इंसोम्निया है तो नींद की गोली दे दीजिए। मूल कारण पे अगर काम करना है या मूल निदान आप अगर पंचक में, मतलब जैसे ही आप निदान के लेवल पे, पूर्व रूप रूप के लेवल पे और उपशय अनुपशय लेवल पे और संप्राप्ति जैसे आपको लगती है आप में, आपका फर्स्ट रोल होता है कि आपको हमेशा के लिए ठीक होना है, रोग से मुक्ति चाहिए या सिर्फ अच्छा फील कराना है, बिकॉज हमारे पास में तीनों लेवल की ट्रीटमेंट्स है। द रीजन इज दैट अगर वो हेतु छोड़ेगा नहीं तो उसको जिंदगी में मेरी दवाई लेनी है या उसको क्लियर कर दो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप योर हेतु, निदान परिवर्जन अगर नहीं होता है आपका निदान स्पेसिफिकली, बट यू हैव टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर, आपको पर्टिकुलरली उसका नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को रात्रि का जागरण साथ में हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बताया गया है कि जितने घंटे का जागरण हुआ है उसके लेवल के हिसाब से कितने घंटे का दिन में दिवा स्वाप होना चाहिए। हमारे शास्त्र में हर चीज की गुरु किल्ली है, सिर्फ पढ़ना बाकी है। सर जैसे अरविंद सर सिखाते वैसे जो भी हमारी टीकाएं हैं उनको हम अपनी लेवल पे भी पढ़े तो हर एक चीज का एंटीडोट और डोट भी देख के रखा है। जैसे हमारे अगद में तो किस चीज के लिए अगद तंत्र में किसका एंटीडोट है, एग्जैक्टली वैसे हमारा अगर कोई पेशेंट का रात्रि जागरण है, एक सिंपल हेतु लेते हैं कि भाई रात्रि जागरण है या फिर जंक फूड का डाइट वगैरह लेना है, तो सबसे पहले तो क्लैरिटी कर ली, जब आपने हेतु निकाल लिए, आपके आहारज लेवल पे निकाल लिए, विहारज लेवल पे निकाल लिए, बाकी का अगर वो अव्यायाम कर रहा है तो व्यायाम ना करने की वजह से वो प्रमेह तक भी जा सकता है, हार्ट डिसीज तक भी जा सकता है, उसका सर्किट विभाजन खराब करके सबसे मेन
कार्डियक डिसीज में भी कन्वर्ट होता है बिकॉज रस दृष्टि का रसवाना स्रोत समुद्र दृष्टि। अच्छा हम अगर ये नहीं बताएंगे, मॉडर्न के लोग तो बोलते सभी खाओ सब चीजें लो, द रीजन इज दैट दे आर प्रमोटिंग इलनेस इंडस्ट्री, बट वॉट आयुर्वेद प्रमोट से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण विकार से परिमोक्ष। अगर उसको स्वस्थ उसका स्वास्थ्य टिकाना है, उसकी समधातु संदोष को उसको मेंटेन करना है, वो जरूर फॉलो करेगा। और अगर उसको विकार परिमोक्ष चाहिए, परिमोक्ष मीन्स गेटिंग रिड ऑफ डिसीजेस, तो उसको फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, आपके पैरामीटर्स एकदम क्लियर चाहिए कि यू हैव टू टेक द मेडिसिन टिल यू आर गेटिंग रिलेटेड विद योर डिसीज। उसके लिए आपके आप इन्वेस्टिगेशन का हेल्प लीजिए उसके लिए आप। लेकिन एक शॉर्टकट में, क्योंकि मेरे पास में सारे ऐसे ही लोग आते हैं, कॉर्पोरेट वाले आते हैं, फॉरेन के लोगों का हम कैसे दिनचर्या बताए, क्योंकि वो सोते वक्त में नहाते और उठने के बाद में नहाते नहीं है उनका, बाकी का तो दिनचर्या छोड़ ही दीजिए, लेकिन इतना उल्टा सुलटा होता है तो कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कैसे ट्रीट करो फॉरेन के पेशेंट में जहाँ पे डिग्री -5 degrees है। तो ये वजह से उनको व्हाट आई प्रेफर इज दैट कि कुछ एंटीडोट्स है, जैसे भाई जिसका ग्रहणी दृष्टि हमें मालूम है कि आगे होने ही वाला है, तो उसके ग्रहणी पे कार्य करने वाले तिक्त रसात्मक चीजें है, मधुर रसात्मक चीजें जो भ्रमण काम करें, रसायन चीजें है उन चीजों को करें। माई प्रेफरेंस ऑफ ऑलवेज दिस इज प्रवाल पंचामृत और जो परपटी कल्पनाएं हैं वो बहुत अच्छी काम करती है। गुरुचि और यष्टि को आप करके दीजिए। कफात्मक या श्रोतावरोधात्मक संप्राप्ति आपको लग रहा है तो आप वहां पे पिपली रसायन का उपयोग करिए। ऐसे कई सारे एंटीडोट्स है, आई कांट गिव एवरीथिंग इनटू दिस थिंग, लेकिन मैडम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा। अगर आपने ज्ञान परिवर्जन नहीं किया तो आपको डिसीज में रिलीफ ही नहीं मिलेगा, सिर्फ सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। मेरे पास में तो ऐसे लोग आते हैं जिनकी 22 और 40 गोलियां चालू है। मैं कल कोशिश करूंगी, पेशेंट इज नॉट रेडी एक्चुअली, बट छोटी बच्ची है 12 साल की, मेडुला ब्लास्टोमा है, बहुत रेयर चीज रहता है, बहुत कॉमन चीज रहता है ब्रेन की ट्यूमर्स में, लेकिन पेशेंट की 30 रेडियोस थेरेपी। मैं खास करके वात प्रकोप स्किन पे कैसे दिखता है उसके लिए कुछ फोटोज और वीडियोस भी भेजूंगी, मैंने शायद केस भी भेजा है। आई कैन ओनली इंक्रीज द क्वालिटी लाइफ ऑफ देम, बट आई कैन गिव यू मोर बेस्ट ट्रीटमेंट बेटर देन केमो रेडियो। उनका केमो थेरेपी मुझे नहीं कराने देना है क्योंकि बच्चे जिंदा नहीं रहेगी मुझे मालूम है। इसकी वजह से पेशेंट को हम उस तरीके से काउंसिल नहीं कर सकते जैसे हम बाकी के केसेस लेके आते, बिकॉज पेशेंट के रिलेटिव्स रेडी नहीं रहते, पेशेंट को बताया नहीं जाता है। मैं भी स्यूडो ट्रीटमेंट करती हूँ, लेकिन मैं जरूर उसकी पिक्स वीडियोस और मेरा एग्जामिनेशन ये करूंगी। लेकिन आपको अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है और आपको एक अच्छा चिकित्सक बनना है तो आपको सिर्फ भेषज अच्छा यूज करके, या जो हमारे चरक के पहले चार चतुष्क जो बताए गए उस, इसमें अच्छी दवाई देना ये हमारी जरूरी चीज है बिकॉज वी आर डॉक्टर्स। लेकिन उसके बाद में देखिए अपनी मात्रा क्षेत्रीय अध्याय बताया, बाकी के जो अध्याय बताए उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज का परहेज संभालना है। मात्रा क्षेत्रीय मतलब कौन सी मात्रावत आहार, वो सब चीज करके हम क्या करते हैं ना, हम बड़ी बड़ी कल्पनाएं और बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट और चिकित्सा संप्राप्ति इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सूत्र स्थान को इंपॉर्टेंस नहीं देते। That's the reason we are back in the thing. We don't give importance. मैं lifestyle disease consultant भी हूँ, जिसकी वजह से मुझे आहारज विहारज के साथ में स्वस्थ रूपते की कौन सी चीज है, भाई तुमको छुट्टी कौन से दिन है, ठीक है 5 दिन तुम्हारी नाइट ड्यूटी ना, छुट्टी के दिन आपको वमन विरेचन में से कुछ चेक करना है, बस्ती करना है, नस्य आपको रेगुलर देना, ठीक है आपको मेरे पास में आने का समय नहीं बिकॉज आपका रात्रि जागरण है, आपका बीपी भी बढ़ने वाला है, आपकी 30 age 40 age के बाद में जो भी प्रॉब्लम है वो बीमारी में कन्वर्ट होने वाली है। यू नीड टू टेक गुड मानस चिकित्सा, गुड ओंकार एंड मनोह पे काम करने वाला, और दूसरा नस्य आपके लिए मस्ट है, तो यू फॉलो योर रूटीन। मतलब इस तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स आप दे दीजिए, यू हैव टू बी वेरी रिजिड। अगर ये नहीं फॉलो करते तो बट ऑब्वियस है यू विल बी अ कस्टमर टू अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट और लिवर और किडनी प्रॉब्लम, बाकी द चॉइसेस विद यू। Be very straight away. The reason is that allopathy में risk का भी पैसा कमाते हैं और हम काउंसिल करेंगे, स्वस्थ रूप प्रमोट करेंगे। हम अगर आयुर्वेदिक जो भी हमारे एंटीडोट्स है, हमारे जो भी पंचकर्म की चीजें है, वो स्वास्थ्य को रखने के लिए, लेकिन लाइफस्टाइल में अगर कुछ खराब है, अभी उसको बट नेचुरल है कि उसका एसिडिटी बढ़ने ही वाला है, उसका पित्त प्रकोप की अवस्था होने वाली है, तो उसके अगेंस्ट जो रस फिर वो आहारज है या फिर वो भेषज है या आपकी नियुक्ति आप जो भी कुछ द्रव्यों की कर रहे हो उसके अगेंस्ट दे दीजिए। जिन गुणों का उष्ण तीक्ष्ण गुण से बढ़ा है तो उसके अगेंस्ट शीत वीर्यात्मक को दीजिए, मधुर रसात्मक दीजिए, तिक्त रसात्मक दीजिए। उसको देखिए तो दीजिए 7-14 days का उसको एक प्रोटोकॉल तो दीजिए, बट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर।
जैसे मुझे मालूम है कि अभी वो बंदा पानी ही नहीं पीता है, तो पहले अग्निवर्धन वगैरह उसका करा लो, लेकिन अग्निवर्धन उसका वो दिन में सोने वाला है, दिवा स्वप होने वाला है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको बोल सकते भाई तुम इतना उठने के खाना खाने के सोने की बजाय आपको इतना घंटे खाना खाना है, इतना घंटे सोना है, और खान पान में आपके जो द्रव्य रहेंगे वो द्रव्य ऐसे रहे कि आपकी रात की पूरी जो भी मतलब लघु और संतर्पण युक्त होना चाहिए, लघु अवतर्पण युक्त कोई जंक नहीं होना चाहिए, और वो हमें उनको रेडीमेड देना पड़ता है। मूंग दाल का यूश है, या सूजी का हलवा है, या सूजी का कुछ ये है, या फिर सारी सब्जियों का मिलके जो हमने कल्पनाएं बताई, ये बहुत सारी चीजें सूत्रस्थान में देके रखिए, उसका एक चार्ट बना लो, सामने वाले को दे दो। इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू दिस यू हैव टू लिसन टू दिस, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस यू हैव टू फॉलो दिस। और आपको दिखता है 100 लोग पहले कन्विंस नहीं होते, 10 ही होते, 10 के बाद में उसमें से भी दो नहीं बोल देते, 5 निकल जाते, लेकिन जो 3 रिजल्ट मिलते हैं उसके बाद में उनकी फैमिली पूरी हेल्दी होती है, और फिर आपका प्रमोशन होता है। यू बी वेरी स्ट्रिक्ट, अपना एक चार्ट बना लो, अपना एक पत्ते पत्ते का यादी जोड़ लो, और दूसरा चीज बी वेरी स्ट्रिक्ट कि हमें अच्छा डॉक्टर और आयुर्वेदिक चिकित्सक होना है, तो निदान पंचक के अलावा आपका डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं हो सकता है। सो फोकस ऑन टू निदान, गिव मोर टाइम टू निदान। मैं मेरी अभी बहुत टफेस्ट केस है, उसका वीडियो मैंने शेयर करना है, बट पेशेंट के रिलेटिव्स रेडी नहीं है बिकॉज आउट ऑफ पुणे के है वो, बट अगर मुझे चांस मिलता तो मैं जरूर वो केस को यहाँ लाऊंगी, या फिर मैं एटलीस्ट वीडियोस भेजूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। एक बात आपने बीच में कही कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपने बोला जैसे किसी को रात में सोना, जो हम बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं हेतु, कि कोई हेतु किसी को सात में ही हो गया है, जैसे आपने रात्रि जागरण का कहा, जैसे कई लोग होते हैं, मतलब हम एक एक चीज, एक सिंपल सा एक कॉमन क्वेश्चन इसमें ये मेरे आया है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक नॉर्मल जो हेतु बताए गए हैं वो कोई हेतु किसी को साथ में हो चुका है या वो हेतु बन रहा है, हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है मैम, उसकी सप्त धातु की बजाय पहले त्रिदोषात्मक उसके लक्षण देखिए, वो लक्षण में से सब सारी चीजें समान है, कोई डिसीज नहीं बन रहा है, कुछ प्रकोपित अवस्था नहीं दिख रही है, उसका अग्नि अच्छा है, उसका मल मूत्र प्रवृत्ति अच्छा है, दूसरा चीज उसका उत्साह यश और सुख। मैडम आप हमारे आयुर्वेद के पहले 10 जो श्लोक है ना, वो 10 श्लोक बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो जिसमें नियोजन बताए, इवन हमारी जो शारीरिक क्रिया और शारीरिक रचना की बुक्स है ना, बिलीव कीजिए मैम, जब मैंने रेट्रोवर्सल स्टडी शुरू किया था उस वक्त में तो मुझे मराठी भी नहीं आती थी, संस्कृत भी मैंने सीख के पदविका करके की थी, लेकिन आज उसके हर चीज को जब आप खोल के उसको पढ़ते हैं ना तो इतना ग्रेट लगता है मैम। आपको ये मालूम होगा ना मैम, पिछले 2 साल पहले एक नोबेल प्राइज विनर जिनको अवार्ड दिया गया था, वो सारी लाइफस्टाइल और ओंकार और मानस चीज पे, मतलब इस पे बाहर के संशोधन, और उनको नोबेल प्राइज भी नहीं मिलता है। आज अगर चरक सुश्रुत और ये अगर रहते हमारे बीच में, मैडम ये पूरी दुनिया के नोबेल प्राइज विनर्स होते थे, इतनी उन्होंने सारी चीजें देखे रखी है। अगर वो त्रिदोषात्मक कुछ डिस्टर्बेंस कर रहा है, उक्त साथ में अगर उसको है, तो एक सर्टन 25 एज 20 एज या बिफोर 30 एज तक उक्त साथ में रहता है, लेकिन उसके बाद में वो जैसे बताता है कि मैम बाकी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ जब मैं सुबह उठता हूँ तो एक खट्टी डकार आती है और मुझे एक उल्टी किया तो अच्छा लगता है। अभी वो उसको ओक साथ में हो गया मैम, लेकिन यू वेरी वेल नो कि वहां पे सर गुण से, उष्ण गुण से, तीक्ष्ण गुण से, या फिर विष्टब्धा जीर्ण, इनमें से आपका जो भी हेतु है, उस वजह से उसका पित्त बढ़ा है, जिसकी वजह से उसको खट्टी डकारी है, वो खट्टी डकार आगे चल के ग्रहणी दोष निर्माण करने वाले, तो उसको आप आगाह कर सकते हो किसी, दिस इज नॉट अ साइन कि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अभी यंगस्टर हैं, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में जब आप बाद में कन्वर्जन होगा तो आपके लीवर की प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम डेवलप होगी, और उसके बाद में आपकी डिसीज शुरू होगी। ये अवेयरनेस उसको किसी ने नहीं दी होती है मैम, ये अवेयरनेस आपको देनी पड़ती है। अगर उसकी त्रिदोषात्मक कोई भी संप्राप्ति नहीं घटित हो रही है तो भी मैडम संचय अवस्था जरूर होती है। आप निदान पंचक को या माधव निदान सर ने पिछले साल पढ़ाया था, तब आप नहीं थे, फिर से हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से माधव निदान दीजिए, तो इट इज सो ब्यूटीफुल। अंजना मैम काफी लोग पुराने हैं जो 3-4 साल से हैं आयुष दर्पण से जुड़े हुए, तो ये सारी चीजें कि वो भले अभी व्यक्ति नहीं कर रही है, भेद नहीं कर रहे, डिसीज में कन्वर्ट नहीं हो रहे, बट उनकी संचय अवस्था तो चालू रहती मैम। एंड संचय च प्रकोपचम प्रसारम, जब व्यक्ति भेद होता है उसके बाद में डिसीज कन्वर्ट होता है, आप उसके पहले संप्राप्ति बनने से, घटित होने से पहले उसको, लेकिन आपको उस पैरामीटर पे चेक करना पड़ता है, सिंपल सी चीज।
वो ओक साथ में हुआ हो या साथ में हुआ हो, अगर उसका सबसे मेन चीज उसकी उत्साह, उसका बल, उसका सुख, उसकी त्रिदोष सारे समावस्थाएं में है, उसका अग्नि अच्छा है, तो ओके, देन हिज ऑल द लाइफस्टाइल इज क्वाइट ओके फॉर हिम, बिकॉज़ इट इज ही हैज एडजस्टेड विद हिम. बट जैसे ही उसका अग्नि, उसका धातु, उसका एज के साथ में जैसे वात प्रकोप होगा, तो पहले वाला संचित वात उसकी वात प्रकोप की अवस्था में, भले फिर वो बल उसका हानि हो या फिर उसकी वात की जो भी अवस्था आयु की हो, वो 40-50 एज के बाद में जो भी प्रकोपित अवस्था है वात की, जो एज के हिसाब से आती है, तो वो संचय वाले वात को प्रकोपित अवस्था में कन्वर्ट कर देती, क्योंकि वहां पे काल का भी बल मिल जाता है, शरीर का भी बल हानि सपोर्ट करता है, बॉडी के अंदर के जो भी त्रिदोषात्मक दोष है वो भी सारे प्रकोपित अवस्था में होते हैं. उसके बाद में ही तो कोई ये होता है. अभी मेरे पास में 30 cycles रेडियो थेरेपी केमोथेरेपी के बाद में जो लड़की आई है, 12 साल की लड़की है मैम, आज उसके अभ्यंग के लिए मुझे ऑयल कितना लगा होगा, और जो उसके बॉडी पे विद इन 35 minutes एब्जॉर्ब हो गया राउंड अबाउट 200 ml एलो, मतलब जो ऑयल है वो कोश ने करके जो अभ्यंग किया, क्योंकि उसका सर्वांग दाह और सर्वांग पेन था, तो चंदन बला लक्षा दिया, दशमुल का जो मैंने थोड़ा कोष न करके पहले अभ्यंग बोला उसके बाद में मात्रा अवस्थी दिया, तो पेशेंट को 200 ml ऑयल लगा के, मतलब उसकी अवस्था कितनी प्रकोपित है, वात का रुक्ष गुण कितना बढ़ा हुआ, ये आपका क्लासिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए. ओके, बाकी नथिंग इज डिफिकल्ट, यू नो एवरीथिंग, बस उसको रिवाइव करके उसको अप्लाई कीजिए. बड़ी बड़ी संप्राप्तियां, बड़े बड़े डायग्नोसिस, ये वाला भी मिडुला ब्लास्टोमा मेरे साथ में, मैंने ग्लायोमास किए हैं, मैंने बाकी के सारे मेनिन्जियोमास देखे, लेकिन मिडुला एंड दैट टू फोर्थ ग्रेड ब्लास्टोमा तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था इस लड़की को ये करने, क्योंकि उसका केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, 30 cycles, सर्जरी भी हो चुका है. तो मैं ये सोच रही थी कि इस पेशेंट को बुला के मैं करूंगी क्या, इसके पास में कितना समय, फिर वो डर निकाल देने के बाद में पता चलता है कि नहीं, और मिलने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, पेशेंट की, पेशेंट का जो भी व्याधि बल अच्छा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन पेशेंट का मानसिक बल अभी तक अच्छा है, क्योंकि बेबी को, वो 12 साल की लड़की को मालूम नहीं कि उसको कैंसर है या ट्यूमर है, बस इसी का फायदा लेना है, और उसके साथ में जैसे दोष आप ये करते हो, कॉन्कर करते हो, लेट्स होप कि वी कैन स्टॉप हर केमोथेरेपी, बिकॉज आई नो वेरी वेल केमो में वो सस्टेन नहीं होगी, शी विल नॉट बी सस्टेनिंग टू दैट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम. माय प्लेजर मैम. और किसी को कुछ पूछना हो या बोलना हो तो प्लीज बोलें. गुड इवनिंग. हेलो. गुड इवनिंग मैम. अनुरिता मैम से करना बोलना था. मैम, जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो भी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो हम हेतु जो भी है अनिवार्य है, जैसे रात्रि जागरण हो गया, जंक फूड का इंटेक हो गया, या स्ट्रेस हो गया, आजकल तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कुछ नहीं हो तो एसिडिटी के लिए क्या है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर है, और उस स्ट्रेस को है ना, इसके ऊपर काम, मतलब मैं बोल रही हूँ मैम, सच में बोल रही हूँ, आयुर्वेद के इतने अच्छे दिन आ गए कि यू कैन बिकम एन स्पेशलाइज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इतने अच्छे दिन आ गए. फिर वो फिजिकल स्ट्रेस है कि मेंटल स्ट्रेस है कि इमोशनल स्ट्रेस है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मैम दीज ऑल आर इंक्लूडेड. ये हेतु अव्यक्त फॉर्म में या फिर कंक्लूडेड फॉर्मेट में हमारे जो भी आप थे उन्होंने बताया, लेकिन हमने उस वक्त में उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था जितना आज उसका इम्पोर्टेंस है. आप इनफर्टिलिटी के केसेस देखिए ना मैम, कुछ भी नहीं निकलता इनफर्टिलिटी का, लेकिन फिर भी स्ट्रेस निकल आता है. ओके, ये हेतु तो रहता है मैम. और हमारे पास जो फीमेल पेशेंट आते हैं, इवन मेल पेशेंट भी आते हैं, तो आधा तो काउंसलिंग में ही पता चल जाता है कि 80-90% उनको ऐसा चाहिए कि नहीं हमारा स्ट्रेस फैक्टर कहीं पे रिवील हो जाए. स्ट्रेस आउट हो जाने के बाद जो व्याधि के ऊपर हम चलाते हैं ना, पंचकर्मा चलाए या कोई भी मेडिसिन चलाए, वो अगर पेशेंट हमारे साथ फैमिलियर होके इजीली बात करे तो वो ज्यादा इफेक्ट देता है. मैडम मुझे तो अभी सोचे, ये 7-8 महीने पहले इस बच्चे को ट्यूमर पता चला है, कोई हेतु नहीं मिल रहा है, कोई हेतु, खान पान में नहीं, उसके आहारज में नहीं, उसके विहारज में नहीं. अभी मेरे पास में आखिरी पंत्र है उसकी मम्मी का हिस्ट्री लेना है. और दूसरी चीज ये कि मैडम सोचिए आप, 30 केमोसाइकल एंड रेडियो साइकिल के बाद में उस बच्चे का नॉर्मल सप्तधातु और नॉर्मल त्रिदोष बचा होगा क्या? मैं वही पूछने वाली थी कि आपका पेशेंट बता रहे हो कि मम्मी बल अच्छा है. That's really मैडम मेरा अभी एक्चुअली हेडेक है, लेकिन सर नहीं है. और बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ, बहुत ज्यादा
ये करती हूँ कि यू हैव टू टेक आउट द हेतु, क्योंकि कुछ हेतु है जो हम खुद जिसे बोलते हैं कि इमीडिएट दे आर बोलते हैं ना निमित्तिक कारण हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो मूल कारण रहते हैं हमारी। आप जो भी आयुर्वेद की प्रणाली को देखेंगे आप कि आपका डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए या आपने अगर ट्रीटमेंट करना है तो आपके निदान पंचक में जब आप रुग्ण परीक्षा और ये करते हो तो हेतु निदान और निदान परिवर्जन ही हमारे ट्रीटमेंट का सबसे पहला पार्ट जब बोला गया है तो हम उस चीज को मतलब अवॉइड ही नहीं कर सकते। और हम जैसे प्रैक्टिशनर जो क्रिटिकल कंसल्टेंसी में करते हैं उनको कितना अभी सिंपल मैम हम बोलते हैं पैक्ड फूड इज एंड जंक फूड। और मेरे जो इंग्लैंड के हैं या फिर लंदन के जो केसेस है या फिर बाहर गांव की केसेस उनको सारा पैक्ड फूड ही आता है। मैं मालदीव से कल परसों आई, देर वॉज नो एनी वेजिटेबल, देर वॉज ऑल पैक्ड फूड एंड एवरीथिंग जंक, एवरीथिंग वॉज कैंड। अब आप मुझे बताइए उसका कौन सा दोष उसका नॉर्मल लेवल पे रहेगा। अकाल पित्त, एंटी एजिंग, अकाल जो सारे हमारे प्री एजिंग वाले जो सारी चीजें, मतलब बालों का सफेद होना तो सिर्फ साइन है मैम, लेकिन हड्डियों का 25-30 एज में गलना, लोगों को लगता है विटामिन थ्री कम है और बाकी का चीजें बाकी सब अच्छा है, नहीं, नहीं, अग्नि दुष्टि ही होती है वो। और अग्नि मान लिया जब तक आप नहीं रिलीव करते कोई डिसीज आप कैप्चर नहीं कर सकते। इसलिए शमन नस्य दीजिए, निदान परिवर्जन दीजिए, गृहन चिकित्सा दीजिए। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि पित्त प्रधान प्रकृति है और इसके हेतु भी पित्तज है तो आपको उसको एंटीडोट में आंवला ही रसायन देना पड़ेगा, उसकी गुड़ुची ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं वो पित्त प्रकृति का है लेकिन उसकी वात की प्रकोपित अवस्था है तो आपको ट्रीटमेंट करते वक्त जरूर देखना कि ऐसी पित्त की चिकित्सा मत दीजिए कि जिसके शीत गुण की वजह से वात का शीत से प्रकोप बढ़ जाए। तो आपको वहां पर स्नेहन युक्त देना पड़ेगा, मधुर रसात्मक देना पड़ेगा जो दोनों पे भी काम करे। इस तरीके से छोटी छोटी योजनाएं काम करती हैं और यू गेट द रिजल्ट, इट्स नॉट अ बिग डील। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो आयुर्वेद के आवरण का कॉन्सेप्ट है, स्रोत अवरोध का कॉन्सेप्ट है या फिर धातु क्षय वृद्धि का कॉन्सेप्ट है वो इसमें काफी ध्यान देकर किया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से जितना दिखाया जाता है पिक्चर की। नहीं आयुर्वेद बहुत ये है वो है ऐसा कुछ इतना मुझे तो नहीं लग रहा है अभी हरिशंकर सर ने बहुत अच्छा लिखा है कि पूर्व जन्म कृत कर्म। ये सर ये भी चीज होती है, ये भी चीज है मैं क्योंकि फर्स्ट डे ही है उनका, जस्ट सुबह 11 बजे आए हैं और सुबह 9 बजे से मतलब मेरा सारा प्रिपरेशन रहता है, ऑयलेशन रहता है। अचानक से उन्होंने, क्योंकि मैं मालदीव से आई तब से मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिए थे एडमिशन के, लेकिन बहुत छोटी बच्ची थी उनको मैं गई हूँ तब से उनके कॉल आ रहे थे तो इस वजह से मैंने उनको एडमिट किया। लेकिन या पूर्व जन्मकृत भी हो सकता है, लोग उनको जेनेटिक या कुछ डिफेक्ट्स वगैरह बोलते हैं लेकिन अल्टीमेटली जब आप इनके बेस पे जाते हो तो आपको भी पता चलता है कि सेलुलर लेवल डिफॉर्मिटी ये कहीं ना कहीं उनकी वहां से उनका जो जेनेटिक डिकोडिंग है या कर्मज इतिहास है वो भी लेना जरूरी। बट इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, यू कांट पॉइंट आउट समबडी। तो जैसे सिंपल से काफी लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते बट या आपने जो पॉइंट बोला है बिल्कुल सही है, इसको भी आपने विचार करना चाहिए। यस मैम बोलिए। आशा मैम मैम बोलते हैं ना कि पित्त धरा कला एवं मज्जा धरा कला और पुरुष धरा कला एवं अस्थि धरा कला, तो ये जो आपका पेशेंट है ना तो हम यहाँ पे देखे तो कहीं ना कहीं जाके आपका पुरुष धरा कला और पित्त धरा कला दोनों इन्वॉल्व है क्योंकि मेडुलर रीजन में एक्चुअली यही है। लेकिन पेशेंट का पुराना देखिए आपको मालूम है कभी कोई नहीं बोलता कि मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कोई नहीं बोलता है कि मुझे स्ट्रेनिंग स्टूल्स होता है। उसकी हिस्ट्री में आपको पूछना पड़ता है कि सुबह उठते ही कितने वक्त में आपका मोशन डिफिकेशन होता है, उसके लिए कुछ पानी लेना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है। बच्चे खेलते कि अभी 10 साल और 12 साल की उम्र है, ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में और 10 महीना में इसका ट्यूमर डेवलप हुआ होगा और कुछ भी बाकी का सिम्टम नहीं। तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही, मैंने सबसे पहले उसकी यही चीज को पकड़ा। लेकिन ये भी ध्यान में आया मैडम कि उसने काफी सारी उल्टियां हो रही थी 8 महीने से जिसके लिए उसको इनहिबिटर्स दिए गए थे जो वोमिटैब या जो भी एलोपैथ के चीजें रहती है वो सप्रेशन ट्रीटमेंट दी गई है उनको। यस मैडम, अभी उस सप्रेसिव ट्रीटमेंट में इसकी गृहिणी दुष्टि होके ये विट्टबद्धता ऐसी कंडीशन में चली गई होगी। बट व्हाट इज हेल्पलेस मैम, व्हाई वी आर हेल्पलेस यू नो,
आई कैन गिव ट्रीटमेंट, आई इलोंगेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, आई रिड्यूस द सी मार्कर्स ऑल्सो. लेकिन मैम उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसी से हमारा पुलिस धरा कला और मज्जा व दूषित हुआ जो, हाँ ये दुष्टि हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, हम ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मिलता है, दिखता है. केस प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप किसी को बोलते तो उनके लिए तो मैडम हाँ हाँ ठीक है, वो उनको थोड़ा सा स्ट्रेनिंग सूल हो रहा था, बाकी बिकॉज फॉर देम इट इज नॉट अ बिग थिंग. उनको भूख नहीं लगे तब भी बच्चे खाना खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, दूध बिस्किट ले रहे हैं, उससे वर्म्स बन रहे हैं, उसकी कृमि की संप्राप्ति घटित हो रही है. इसका मतलब सिंपल उसकी ग्रहणी दृष्टि, पक्वाशय दृष्टि और उसके साथ में पुरुष धरा कला भी दूषित होगी. बट दे डोंट टेक दैट मच सीरियस. मैंने एक बार देखिए एक छोटे बच्चे की केस डिस्कस की थी और मैंने उस बच्चे को वो यूरिनरी प्रॉब्लम और काफी सारे गर्भाशय से लेके उसकी तकलीफें थी और उसको मैंने ट्रीट किया. तो मैंने पहले मैम वो बेबी एकदम नॉर्मल है मैडम, इज नाउ 3 ईयर्स ओल्ड, वेरी हेल्दी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सर्जरी नहीं हुआ, उसका यूरिनरी रिफ्लक्स जो था वो सर्जरी हुई. लेकिन मैंने सिर्फ मात्रा बस्ती से मैंने उस पेशेंट को कॉन्कर किया था क्योंकि वो 4 दिन 3 दिन में एक बार डिफिकेट करता था और वो पेशेंट कंटिन्यूस एंटीबायोटिक पे था. तो अभी आज भी मैंने इस ट्यूमर पेशेंट की बहुत बड़ी डेयरिंग किया मैडम, 7 गोलियां बंद की और आयुर्वेदिक शुरू किया. लेट्स होप समथिंग, बिकॉज 12 को उसका केमो शुरू होगा और मेरे पास में पेशेंट सिर्फ 8 तारीख तक पंचकर्मा के लिए और एट अ टाइम व्हेन इट इज अ ब्रेन ट्यूमर केस, तो उसके बाल तक नहीं बचे और उसको नहाने के लिए मना किया गया क्योंकि रेडियोथेरेपी होल बॉडी 20 एंड पर्टिकुलरली ब्रेन रेडियोथेरेपी 10, ऐसे 30 साइकिल से गुजर के वो लड़की आई. मैं उसके फोटोज वगैरह जरूर, क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव्स बहुत डिस्टर्ब है ना, इस वजह से मैं उनको रिक्वेस्ट करके भी वो नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने उसके फोटो वीडियोस करके शेयर करने का ये किया. बिकॉज बहुत क्लासिकल केस है, बहुत ही ज्यादा क्लासिकल है. तो ये जो एंटी एमेटिक ड्रग्स बोलते हैं ना, एंटी एमेटिक, इस पे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा एंड दैट कैन गो टू एक्स्ट्रा पिरामिडल और इंट्रा पिरामिडल ट्रैक विच इज कनेक्टेड विद योर स्पिनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड्स. और अभी उसका प्लेटलेट इतना कम है कि 90,000 से भी नीचे है, WBCs उसकी 3,000 है, जिसकी वजह से उसकी मज्जा वहां पे पहले काम करना पड़ेगा ऑन एन अर्जेंट लेवल. अगर वहां पे काम होता है तो ही केस अपने पास में आयुर्वेदा के पास में एंड आई डोंट हैव टू गिव हर बीटी. 7 ग्राम एच भी है तो अग्नि प्रदीप्ति पे या दुष्टि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है. लेट्स सी, आप सब लोगों की ब्लेसिंग से होगा सर. नहीं नहीं मैम, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप करेंगी. और मेन तो क्या काउंसलिंग में अगर आपका ऊपर उनका विश्वास है तो आगे जाके भी कराएंगे. आई थिंक वो की मैम उनके पास में कुछ बचता नहीं है, तब एलोपैथी वाले लोग भेजते हैं उनको, जिन डॉक्टर ने सर्जरी करके भेजा है उन्होंने सिर्फ मेरा नाम मालूम था, मेरा प्रैक्टिस वगैरह आयुर्वेद वगैरह का कोई नाम नहीं लेते हैं. वो सिर्फ बोलते कि हाँ अभी कुछ बचा नहीं है तो आप आयुर्वेदिक लेके देख सकते हो. ऐसे कंडीशन में पेशेंट को थोड़ी मोटिवेट किया जाता है मैम, वो तो हमको प्रूफ देने पड़ते हैं. वी विल बी, लेट्स सी. चलिए बेस्ट ऑफ लक मैम आपको. थैंक यू वेरी मच. जो अपने पंचकर्म का जो सिद्धांत बताया गया है ना, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि जो रोगिष्ट है उन्हीं को पंचकर्म दिया जाए. जैसे हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है कि वमन की जो ऋतु है उसमें वमन कराना चाहिए, विरेचन की, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बताया गया है. आई थिंक अगर हमारे द्वारा ये फैलाया जाए जागृति कि भाई नहीं, ऐसा पंचकर्म इज नॉट ओनली फॉर डिसीज्ड पर्सन, यू कैन ऑल्सो टेक एज अ हेल्दी पर्सन, यू कैन ऑल्सो टेक दिस, तो इससे भी काफी बहुत, क्योंकि ये जो भी सिनारिया है आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड या फिर जंक फूड रिलेटेड, तो वो तो कम होने वाला नहीं है. तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है पंचकर्म, क्योंकि आजकल लोगों को पंचकर्म में बहुत 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 इंटरेस्ट आ रहा है, तो वी कैन प्रमोट इट एज हेल्दी लाइफस्टाइल. मतलब एक आप उसके अंदर बिठा के ले लो, नहीं ये तो आप कराएंगे तो आपकी लाइफ स्पान बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो इससे भी काफी बहुत मिल सकता है मेरे हिसाब से. जी हाँ जी मैम, बहुत सही बताया, बात सही है, पंचकर्म को प्रमोट करना, आयुर्वेद ही बढ़ना है. अमृता मैम ने भी बहुत बढ़िया बताया, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम. तकदीर सिंह सर ने हैंड रेज किया हुआ, हरिशंकर जी ने हैंड रेज किया हुआ. हेलो. हेलो जी मैम. हाँ जी सर, नमस्ते, बोलिए. नमस्ते मैम, मेरे पास ना एक पेशेंट था, उनको इनफर्टिलिटी का इशू था, तो इनफर्ट अब तो कंसीव हो गया है और 6 मंथ प्रेगनेंसी भी चली गई है. लेकिन वो कह रहे कि अब उनको ऐसे होता है कि खाना खाने लगता है तो उल्टी आ जाती है,
खाना खा नहीं पा रहे, तो कौन सी मेडिसिन अब इसमें दे सकते हैं इस चीज में? नहीं, पहले उसमें हिस्ट्री तो ले लीजिए। ऐसा तो नहीं है पेशेंट को मलबद्धता मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रह रही है, क्योंकि जब पेशेंट का पेट नहीं साफ होता प्रेगनेंसी में, तभी जाकर के वॉमिटिंग नोजिया वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो आपने डिटेल हिस्ट्री लिया पेशेंट का? नहीं मैम, उनका अभी ऐसे फोन ही आया था कि ऐसे होने लग गया है हमें। नहीं नहीं, पहले आप डिटेल हिस्ट्री ले लीजिए, फिर उसके बाद में आप कुछ भी मतलब प्लान कर सकते हो। लेकिन एक बार पहले हेतु पता चलने चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी अगर वो खा पी रहे होंगे उल्टा पुल्टा ना, या पेट नहीं साफ हो रहा होगा, तो ये तकलीफ होती है प्रेगनेंसी में। सर, इनफर्टिलिटी आपने कंसीव किया तो उसके लिए हार्टी कांग्रेचुलेशंस, लेकिन क्या उसके बाद में 9 महीने का जो ANC है वो केयर आप आयुर्वेदिक नहीं दे रहे उसको? मासानुमासिक हुआ या उसका कुछ लग, जैसे 5 महीने के बाद में जो भी उसकी सोनोग्राफी फॉलोअप उसके हेतु, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, बिकॉज ये बेबी बहुत प्रीशियस रहता है उनके लिए, दे शुड फॉलो। हमारे मैम, हमारे यहाँ पेशेंट जो आते हैं मैम, वो इतना फॉलोअप कर ही नहीं पाते हैं कि वो इतनी मेडिसिन खा ले, वो फाइनेंशियली इतने वीक होते हैं कि। सर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं ना? नहीं मैम, गवर्नमेंट में नहीं करता, लेकिन हमारे मैम पेशेंट ही ऐसे होते हैं। सर देखिए, ये भी तो एक चैलेंज ही है ना सर। सोचिए सुश्रुत, हमारे सुश्रुत जी को परमिशन नहीं मिल रहा था डिसेक्शन के लिए, तो वो मृत जो भी उनको डेड बॉडीज मिलती थी जो गांव के बाहर फेंकी जाती थी पानी में, उसको पकड़ के फिर उनका डिसेक्शन करते, तो उसके कंपैरिजन में अपना चैलेंज तो बहुत कम है। फिर भी आप उनको शतावरी कल्प दे सकते, फिर भी आप उनको मधुर रसात्मक चीजें दे सकते, एक वोमिट करके सिरप आता है और एक वोमिट, ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मत दीजिए जैसे मैडम ने बताया ना। आप डिटेल में उनका हिस्ट्री लेके अगर देंगे तो दैट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज़ दैट बेबी इज वेरी प्रीशियस। एक मिनट हां सर। और सर अभी ऐसे आप उनको ना एक छोटी इलायची जो है वो मुंह में डालने को बोल सकते हो, पर हिस्ट्री पहले ले लो, तो हिस्ट्री से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मान लो अगर कब्ज रह रहा होगा तो मुनक्का उनक्का दे सकते हैं, है ना, मुनक्का साधित जल वगैरह ले लिया, या बहुत इजीली डाइजेस्टेबल लिक्विड डाइट ले लिया 2-3 दिन, तो उससे भी पेट साफ होना शुरू होता है। और इसका भी वॉमिटिंग वगैरह वाले केस में भी, नौजिया में भी मेनली है कि पहले इजीली डाइजेस्टेबल डाइट। एक मादी फल रसायन करके भी आता है, मादी फल रसायन जो सेफली आप दे सकते हैं। मैम मयूर किच्छा भस्म भी दे सकते हैं ना, उसमें तो बहुत अच्छा। मैम मरीज मयूर किच्छा मशीन भी दे सकते हैं, इलायची पाउडर के साथ में भी उसको दें। पेशेंट बहुत गरीब है मैम। नहीं तो बहुत महंगा नहीं है, अब यदि गरीब है वोमिट हो रहा है। मैंने मयूर पिछा बस पंख लेना है, जलाना है, और उसकी मशीन जो भी है वो नवनीत या शहद के साथ में या फिर कुछ अच्छी चीज के साथ में चाटना भी घर में भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। और वो तो रखनी चाहिए डॉक्टर साहब, यदि इनफर्टिलिटी का कर रहे हैं, नौमासिक चिकित्सा कर रहे हैं, तो ये बहुत कारगर है। और कामली का रस वगैरह भी दिया उनको तो अच्छा काम करेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। और अमृत मिश्रण भी दे सकते हो सर? जी मैम, अम्लपित्त मिश्रण और सूत शेखर, हाँ ये सब सारी चीजें जो भी पित्तशामक चिकित्सा सारी चीजें काम करेंगे ना, लेकिन हेतु निकालना पड़ेगा। हरिशंकर जी सर, थैंक यू। हेलो हेलो, आ रही मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम की कट रही थी, तो ये पूछ रही थी ना, जैसे कि मेरे हस्बैंड है और उन्हें वमन लेना है, तो एक्चुअली उनका प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर मतलब अपने हेल्थ के लिए, और थोड़ा सा उनको ओबेसिटी है, तो ज्यादा कोई ओबेसिटी नहीं है, Grade 1 की ही है। सो Grade 1 कह लीजिए, ग्रेड वन ही कह सकते हैं, जब 10 से 15 किलो ही उनका मतलब वेट ज्यादा है, तो मैं उसमें प्लानिंग कर रही थी कि उनको इसमें पान तेल के साथ कराऊं, तो तिल का तेल का किसी को एक्सपीरियंस है क्या इसमें पान का?
या फिर स्तन्यपान में तेल कब थोड़ी यूज करते हैं, रीति यूज किया जाता है? नहीं मैम, करते हैं मैम, लेकिन उसका फ्लेवर बहुत गंदा होगा। आपने खुद पीकर देखा है, घी तक पीना पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, नॉर्मल भी घी। इसीलिए मैंने ये बात यहाँ रखी, बिकॉज तेल जो है ना अच्छा तीक्ष्ण होता है ना वो, तो ऐसे मैंने कई जगह पढ़ा था कि वो तेल को ही, उसी तेल का ही अभ्यंग करवाना है ना, और तेल का ही अपने ही कॉलेज में ही मैंने देखा था। इस वजह से अभी ये तो मैं पहली बार ही यूज करूंगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि तेल का आप लोगों ने यूज किया है तो बताइए, नहीं तो हम इसमें और क्या स्नेहन के लिए यूज कर सकते हैं? त्रिफला घृत यूज कर सकते हो मैम मेरे हिसाब से। और हाँ, लेखन वो तो मैंने भी सोचा था, त्रिफला घृत तो मैंने भी सोचा था, पिछले साल मैंने विरेचन किया था उनका, तो भी तो मैंने त्रिफला घृत ही यूज किया था। तो पेशेंट को वेट लॉस के लिए कराना चाहते हो? वो एक्चुअली वेट लॉस तो नहीं करना, वेट लॉस तो वो अपने आप हो ही जाएगा वो मन, क्योंकि वो थोड़ी सी ओबेसिटी वो अपने हेल्थ, क्योंकि वो आईटी जॉब में है तो उन्हें लगता है कि मतलब हमें शोधन करा लेना चाहिए। तो पिछले साल उन्होंने वमन कराया था तो उनको पहले कफ की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, सुबह उठते ही वो हुआ करके पूरा कफ निकालते थे, फिर वमन कराने के बाद उनका सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सेटल डाउन हो गया, अभी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुझसे कह रहे थे कि इस बार अभी फिर से एक बार मेरा कर दो, तो तुम बोले, पहले पिछली बार मैंने नहीं कराया था, कहीं बाहर कराया था, तो वो बोले कि अब इस बार तुम ही करो कोशिश और मेरा करा दो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछती हूँ मैं कि हम इसमें क्या स्नेहपान की परिकल्पना, अकॉर्डिंग टू प्रकृति डिसाइड कर लीजिए ना घृत को। तो घी खाने के लिए रेडी नहीं है क्या सर? नहीं नहीं रेडी है, लेकिन मैं सोच रही थी कुछ और ट्राई कर लेते हैं उनके ऊपर, जब अपना ही पेशेंट है तो नहीं ना मैम, सबसे अच्छा है ना शामक होता है तेल, तो फिर थोड़ा उष्ण ही पड़ जाता है। गोघृत से करा दीजिए आप प्लेन, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा बात पे ठीक। हाँ मैम, पंचकोल साधित वगैरह वाला भी ले सकते हो बड़े आराम से। एक्चुअली मेरे पास ना अभी अभी केवल महातित्त घृत रखा है, तो महातित्त घृत तो काम करता है, बढ़िया काम करता है। अच्छा तो वो फिर या और किसी को कोई एक्सपीरियंस हो तो जरा बता दीजिए मुझे। देखो ना कटु तिक्त कषाय तीनों जो होते हैं कफ शामक हाँ, होते हैं, और हाँ तिक्त रस पित्त भी शामक होता है ना जी, तो जी। ये तो दोनों जगह ही काम करेगा। ठीक है मनीषा मैम, हाँ, बताएंगे मनीषा मैम बताओ, आप पंचकर्म खूब करते हैं मैम? हेलो, हाँ जी मैम। हेलो नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली मैं बस ये बताना चाह रही थी कि मैंने मैम खुद के ऊपर मैंने तीनों चीजें मैंने यूज की हैं वमन के लिए। मैंने तेल भी पिया है, प्लेन गोघृत भी लिया है और पंचतित्त घृत भी लिया है। तो मैम तेल पीना तो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतना डिफिकल्ट होता है। तो अगर पेशेंट बहुत एक्सट्रीम डेडिकेटेड है तो ही आप सोचना कभी, अदरवाइज वो पीना मैम बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब 30-40-50 ml तक तेल पीना भी बहुत भारी पड़ जाता है पेशेंट को ना। सेकंड थिंग की जो पंचतित्त घृत होता है मैम वो भी डिफिकल्ट जाता है थोड़ा सा पीने में ना, तो पर वो ये कि तेल के कंपैरेटिवली मतलब उसको आप ले सकते हो। मैंने मैम एक बार प्लेन लिया था पंचतित्त और एक बार गोघृत में मिक्स करके लिया था, तो आप देख लीजिएगा आपका पेशेंट का सत्व जैसा है, मतलब या तो प्लेन आप अगर वो ले सकते हैं तो पंचतित्त प्लेन भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप गोघृत और पंचतित्त को मिक्स कर लीजिएगा तो पंचतित्त का जो थोड़ा सा टेस्ट होता है, क्योंकि थोड़ा सा वो थोड़ा सा खराब रहता है तो वो थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। मैंने खुद महातित्त घृत पिया है मैम 2018 में अपना प्रॉपर विरेचन करने के लिए, तो मुझे आज तक उसकी मतलब भूलती नहीं है ना टेस्ट ना स्मेल। बिल्कुल मैम बिल्कुल, मतलब वो इतना स्मेली होता है ना, मतलब दोनों ही पंचतित्त भी और महातित्त भी। मुझे याद है लास्ट डे मैंने 1.5 liter पिया था और पूरा वॉमिट कर दिया था लास्ट डे का। अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग पेशेंट है तो आप प्लेन दे सकते हैं महातित्त या पंचतित्त को, या फिर आप गोघृत में मिक्स कर दीजिए वो, अगर पेशेंट को थोड़ा सा इजी रहता है ना वो। अगर आपका पेशेंट बहुत ही अल्प सत्व है तो फिर आप जो है प्लेन गोघृत पे भी जा सकते हैं। और नॉर्मल गोघृत भी मैम पीना बड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं, नहीं वो पी लेते हैं एक्चुअली, वो उनको उनका सत्व अच्छा है और वो उनका मनस भी बहुत अच्छा है, मतलब कितनी भी मुश्किल है वो कुटकी भी खा लेते हैं, मतलब आप जो उनको बोल दोगे वो खा लेंगे वो, बस उनको अपनी हेल्थ से बहुत प्यार है, उनको अपनी हेल्थ से बहुत प्यार है, क्योंकि वो उठपटांग काम करते ही रहते हैं ना, रात में जाग रहे हैं फिर बाहर जा रहे हैं तो कुछ भी खा ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जिस तरह से मैं कुछ भी कर लेता हूँ उस तरह से मैं ये भी खा सकता हूँ। तो जो मैम बोल रहे हैं ना पंचकोल साधित, ये आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर त्रिफला घृत का आप सोचना चाहें, त्रिफला मैं लेखन के हिसाब से कह रही हूँ, तो इनमें से आप कोई भी प्लान कर लीजिए, त्रिफला पंचतित्त या फिर
मैम त्रिफलाघृत पंचकोल सिद्ध जो मैम ने बताया है, तीनों में से मतलब किसी दो का कॉम्बिनेशन बना लीजिए आइदर, या अगर आप कोई प्लेन चलाना चाहें तो वो प्लेन चला लीजिए, जैसे त्रिफला भी ओबेसिटी में थोड़ा सा तो ये करता है ना। जी जी जी, तो इनमें क्या करना बताए मैम प्लीज। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मंदाकिनी मैम, मैम मंदाकिनी मैम, कैसे आपने प्रयोजन किया तिल तेल का? एक तो पहली बात की बहुत शुद्ध तेल मिलता नहीं है तिल का, यदि आप नहीं प्रयोजन क्या किया कि वो मैं पुरानी अपनी बुक्स इंटर्नशिप की खंगार रही थी वो हाँ, वात वात प्रधान जो लोग होते हैं ना उनके लिए प्रयोग होता है, जो स्नेह को गुरुता समझते हैं तो उसको नहीं देते हैं। बट मैम हमारे शाखाओं में कोष्ठ में बहुत अच्छे तरीके से घृत ही जा पाता है, तेल की उतनी अच्छी नहीं है और उसकी कारमुक्ता भी है तेल का, क्योंकि अच्छा से हम यदि वमन करा रहे हैं या विरेचन करा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है इसका। इसमें कई लोगों ने आपका इसमें भी प्रयोग किया है, जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल को वो थोड़ा सेकेंडरी में माना गया है, बट यदि तिल तेल आपने यदि सोचा भी है तो फिर आपका अपना निकला हुआ होना चाहिए, अच्छा फिल्टर होना चाहिए और रोगी क्रश काय भी नहीं होना चाहिए, आम नहीं होना चाहिए पेट में, और दूसरी बात है कि मेटाबॉलिक सिस्टम उसका बहुत अच्छा होना चाहिए और मिनिमम 3 to 5 days का ही इसको हम करा सकते हैं, उतना हायर लेवल में हम तेल कहाँ पिला पाएंगे मैम, ये भी तो देखिए। जी मैम यही एक्सपीरियंस मुझे सुनना था मैम, थैंक यू मैम। एक तो नौसिया फीलिंग होती है, नहीं ऑलिव ऑयल का तो ये है बट ये अच्छा। तिल तेल का आपसे मेरे को मिला और यदि आप करते हैं तो जरूर हमें। नहीं मैं करती नहीं हूँ, मैं अपना इंटर्नशिप की जितने भी मेरे नोट्स है ना वो खंगाल रही थी मैं। मैम अभी क्या हमारे यहाँ बहुत वो परेशानी भी होती है, पंचतत्व ग्रंथ सच में पियो तो बहुत दिक्कत है, तो मैं क्या ना 80-20 ऐसे करके मिक्स करके देती हूँ, 20 पंचतत्व ग्रंथ उसका तो और कड़वा आता है जो हमारी कंपनी का है वो, और 80 अच्छी गाय का जो घास चरने वाली गाय है उसको गांव वालों से मंगवा के फिर उसको मिला करके देती हूँ, तो अच्छे से पान कर लेते हैं दाल के पानी में या दूध में, या फिर उसमें थोड़ा सा गोल मिर्च वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा सेंधव डाल देते हैं कि थोड़ा टेस्ट आ जाए, तो कैसे भी करके पी लो आप। नहीं पी पाते हैं मैम, 3 दिन के बाद वो पीते ही नहीं है, मतलब 20% पेशेंट ही है जो बहुत अच्छे से पीते हैं, जैसे आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया तो बहुत कॉन्सियस है हेल्थ के प्रति, बाकी नहीं पी पाते तो ऐसे ही देते हैं, स्निग्धता आ जाए उसमें, और पंचतिक्त कषायम की वो टैबलेट खिला देते हैं तो उनको वो मेडिसिन अंदर चली जाती है, स्नेह भी मिल जाता है, दोनों काम हो जाता है। तो मैम बहुत धन्यवाद मैम, चाहेंगे कि यदि वमन करा रहे हैं तो हम लोगों को भी शेयर करें। हाँ हाँ मैम, अभी मैं प्लान कर रही थी, वो अभी आए हम लोग थोड़ा गए थे, मैं तो खुद भी सोच रही मैम कि मैं अपना भी मुझे भी करना है क्योंकि अभी थोड़ा सा कफ बड़ा हुआ है, अभी जो अभी फिर से ना ये रिस्क आ गए हैं ओमिक्रॉन वाले ना, हर पेशेंट चार पांच आ ही रहे हैं, वो सर्दी खांसी और ये सब लेकर के तो इफेक्टेड तो हुए हैं, तो सोच रहे थे कि एक वमन करा लेते हैं, लेकिन कोई चाहिए, बिना ऐसे अकेले वमन करना तो ठीक नहीं है। हाँ मैं भी अभी पहली बार ही कराऊंगी, इसीलिए मैंने कहा पहले अच्छे से गाइडेंस ले लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर ही कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि ये बोले कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आप तुम खुद ही कराओ, मैंने कहा ठीक है फिर मैं बात कर लेती हूँ। काल में उनका जो है ना स्नेह शोधन भी करवाइएगा। हाँ मैम जी जी मैम जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस, इनको कराइए और रिजल्ट हम लोगों को बताइए। आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग ऑल। शशि मैम, जस्ट मुझे आपको पूछना था कि महातिक्त ग्रंथ से क्या मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं? जैसे मैंने अपना विरेचन शुरू किया है महातिक्त ग्रंथ से, कुछ भी नहीं होता, मैंने तो प्रॉपर किया था, मतलब मैं लास्ट डे शायद 250 की 300 ml पी रही थी तब मुझे वॉमिट हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था, पर ये है कि दीपन पाचन मैंने करा था अपना पहले 3 days का, और मतलब मैंने खुद क्या किया था, मैंने अपने फ्रेंड के उसमें किया था क्योंकि वो पंचकर्मा सेंटर ही चलाता है, तो फिर उसके बाद में खाने पीने का ख्याल रखा था, कुछ भी फालतू नहीं खा रहे थे, घर का बहुत हल्का सिंपल खाना जो इजली डाइजेस्टेबल होता है वही खाते, तो मैं महा तिक्त से क्यों छाले पड़ेंगे, तिक्त तो वैसे ही पित्त शामक होता है। हाँ नहीं मैं सर के मेडिसिन भी ले रही हूँ मैम, के सारे जो दीपन पाचन आम पाचक वटी पंचतिक्त ग्रंथ गुगुड़ और सर ने रस पाचक रक्त पाचक
पता नहीं मुझे, बट आज मेरा सेकेंड ये है महातित ग्रंथ का, तो मुझे ना मुंह पे ऐसे छाले आए हैं। तो नहीं तो देखो आप बहुत कुछ ले रहे हो ना, आम पाचक वटी किससे ले रहे हो? आम पाचक वटी नॉर्मल पानी से के साथ ही ले रही हूँ। नहीं आप तक्र के साथ लो। हाँ तक्र का मेरा कंजम्पशन लेस हो रहा है। नहीं तक्र के साथ लो क्योंकि उसमें षडूषण पड़ा हुआ है पूरा, उसमें काली मिर्च अच्छे से पड़ी है क्योंकि सर का आम पाचक वटी मेरे पास भी है। तो जब जैसे मान लो हो सकता है आपकी प्रकृति पित्तज प्रकृति है क्या मैम? हाँ, तो पित्तज प्रकृति वालों को आम पाचक वटी में थोड़ा सा वैसे ख्याल रखना, तो आप तक्र के साथ लो दो चार दिन, फिर आप बताना ठीक है? ओके ओके मैम, ओके ओके। या आम पाचक वटी 2-4 दिन के लिए बंद करो तो भी चलेगा मैम? बंद भी कर सकते हो बट ना तक्र के साथ लेकर के देख लो, अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही तो 2 दिन के लिए बंद कर दो फिर, लेकिन जब दोबारा लेना तो तक्र के साथ ही लेना। और तक्र प्रॉपर मथने वाले तरीके से जो बना होता है वही लघु होता है, जो हम मिक्सी में चलाकर बनाते हैं वो तक्र लघु नहीं होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपने लिए ब्लेंडर से हैंड ब्लेंडर से खुद ही ब्लेंड कर लीजिएगा और मिनिमम ये 5-10 मिनट ब्लेंड होना चाहिए ठीक है? क्योंकि 600 मात्रा का सिस्टम होता है तो उस हिसाब से जब तक्र बनता है तब उसमें तक्र की क्वालिटीज आती है, मिक्सी वाले में कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ फ्लेवर है ठीक है मैम? हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच शशि मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सेशन को अब बंद कर दिया जाए? वो मैम जरा हमारी बात सुन लीजिए मैम। बोलिए सर, जब मैं बोल रही थी तब आप बोले ही नहीं, बोलिए प्लीज। वो मैम बोलने लगी तो फिर मैं चुप हो गया। बोलिए सर। जी मैम, मेरे बच्चे को मैम पैंक्रियाटाइटिस था। अच्छा, हाँ मुझे याद आ गया। हाँ तो सर वो जो है, हाँ, अब मैम वो भूख ज्यादा करता है। आप ऐसा करो ना सर, आप ग्रुप में हो ना? हाँ, तो आप वहां पर टेक्स्ट कर दो, वहां रिप्लाई कर दिया जाएगा क्योंकि टाइम काफी हो गया, फिर सर गुस्सा होंगे ठीक है? ठीक है मैम। हाँ ग्रुप में कर दीजिए प्लीज। तो सेशन को अभी बंद करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है ठीक है। मनीषा मैम बंद किया जाए। आशा मैम। जी जी मैम, ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा हो गए। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, प्रणाम। प्रणाम।